अर्श के ऊपर से अल्लाह भी अगर जमीन पे आ जाए तो इस्लाम कबूल नहीं करेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खत्म हो गई हमारी एंटी हिंदू चैनल मजे से चल रहे हैं। सारी प्रॉब्लम बस एक मजहब के बारे में आप नहीं बात कर सकते इस्लाम में हर चीज में इख्तलाफ है हाथ मिलाने पे भी इख्तलाफ है आपको पता है अच्छा हाँ बजे ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता था फिर रास्ते में कोई मस्जिद मिल गई मां पढ़ लेते थे यानी नमाजे मैं एकदम कोई भी चाहे कॉल सेंटर में कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ अगर आसपास मस्जिद नहीं है बेसमेंट में कभी चले गए जमात के साथ नमाज पढ़ा रहा हूँ माँ बाप का टेस्ट लेने के लिए आपने किसी और को बकरा बना दिया बकरों का भी टेस्ट होगा ना <laughs> वो टेस्ट नहीं लेते वो टेस्ट लेते तो जब मुसलमान था कभी कभी मैं जब ईमान घटता था तो दाढ़ी जो आइस स्टेज से शॉर्ट होने लगती अब आप वन गो में शॉर्ट नहीं कर सकते हो <laughs> दूर में क्या मजा आएगा आपको <laughs> उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते सिर्फ देख सकते हमारे मुल्ला मलाना कहते हैं कि आप अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं जाहिर सी बात है पहले मुसलमान थे एमबीएस एक्स मुस्लिम है क्या <laughs> मुझे तो 99.9% लगता है मुसलमानों का थिंकिंग है कि एक मुसलमान कभी इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता लेकिन आज इनको अपने जुमा के खुतबे में बताना पड़ रहा है ये अपने बच्चों को एक्स मुस्लिम चैनल से बचाएं। दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड भारत माता एंड को स्पॉन्सर्ड much. नमस्ते टीजेडी पॉडकास्ट के नए संस्करण में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ है दन एंड ओनली एक्स मुस्लिम साहिल साहिल आपका स्वागत है आप बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को कैसे आरम्भ करना चाहेंगे पहली बात तो ये है की तब तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम रू बरू बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं अब तक हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई है वो ऑनलाइन हुई है रियली हैप्पी अबाउट दिस जैसे आप मुनासिब समझे आप सवाल जो है वो फेंकते जाइए और हम उसको लेते जाएंगे मुझे लगता है कि वो जो आपने एक अजान ईजाद की थी जी जी वो उससे आरंभ करें तो बड़ा अच्छा रहेगा जी असल में बीच में एक मुद्दा उठा था अरशद मदनी साहब जिन्होंने एक सभा में ये कह दिया था कि ओम ही अल्लाह है और मनु जो है वो ही आदम है हजरत आदम तो वो बहुत मुद्दा गरमाया था तो मैंने कहा जब ओम ही अल्लाह है तो क्यों ना एक अजान जो है वो अल्लाह की जगह पे ओम को रख कर दी जाए तो मैंने एक अजान बनाई और काफ़ी वायरल हुई वो और लोगों को पसंद भी आई असल में मैं मस्जिदों में अजान देता था अच्छा हाँ और लोग बहुत पसंद करते थे जिस तरीके से मैं अजान देता था तो लोग पसंद करते थे और वो चाहते थे कि मैं मस्जिद में अजान दूँ तो ये जो अजान थी ओम वाली वो इस तरीके से है ओम हो अकबर ओम हो अकबर ओम हो अकबर ओम ओम हो अकबर اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان من رسول الله أشهد أن من رسول الأم حي على شرك كريشنا حي على الشرك كريشنا حيّ على الشِّرام، حيّ على الشِّرام، أمّه أكبر، أمّه أكبر. ला जी <laughs> अगर इसका तर्जमा जरा थोड़ा करके बताइए जरा दर्शकों को जिससे वो जो है वो थोड़ा सा मोटिवेट कर सके जी। अपने आसपास रहने वाले मोमिनों को कि भाई आगे से ये सेक्युलर अजान दिया करो हम तो अच्छा जब मैंने ये अजान दी थी अच्छा एक बात और हुई इसमें जी कि ये अजान देने के बाद में वो मुद्दा गायब हो गया स, स, बिल्कुल सिरे <laughs> से जड़ से अर्चन मदनी और उनके जितने भी चेले थे उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली <laughs> <laughs> जब मैंने ये अजान दी थी मेरे चैनल पर और इसको हमने अलग से लगा, लगाया था तो लोगों ने बहुत पसंद किया नॉन मोमिन जो थे वो बहुत खुश हुए कि भाई ऐसी अजान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं और मदनी साहब को भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ही ओम है तो अल्लाह अल्ला है तो क्या मसला है और इससे बड़ा सेक्युलरिज्म क्या होगा इससे बड़ी जो गंगा जमुनी तहजीब तहजीब का हवाला दिया जाता है इससे बढ़कर क्या होगा कि आप अपनी मस्जिदों में जो स्पीकर पे आप पांच टाइम अजान देते हो बोंगे में ये चला दीजिए कभी कोई ना लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा तो लोगों ने बहुत कमेंट्स किए पसंद किया कि भाई हम चाहते हैं कि हर जगह पे इसी तरीके की अजान हो अच्छा इसको इसका अगर हम मतलब देखें तो वो ये है अच्छा मैंने ये जो वो वो जो स्टाइल है उसमें मैंने डाला हो सकता है कि वो अरबी से सॉरी मैच ना हो बट लगभग सही हो जाता है भाई जो नॉन मोमिन है उसको तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है हाँ <laughs> 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 तो ओम हो अकबर ओम हो अकबर का मतलब है कि ओम ही सबसे बड़े हैं ओम ही सबसे बड़े क्या ओम अकबर ओम अकबर उसके बाद अशहद इल्ल ओम मैं गवाही देता हूं कि ओम ही इबादत के लायक है या ओम के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं मैं गवाही देता हूँ ये दो बार है उसके बाद है अशहद अन्ना मनु रसूल ओम मैं गवाही देता हूँ कि मनु ये ओम के रसूल है मैसेंजर है तो ये दो बार हो गया हैया ले श्री कृष्ण आओ श्री कृष्ण की तरफ अच्छा <laughs> दो बार ये आ, फिर हैैया श्री राम फिर हैैया ले श्री राम आओ श्री राम जी की तरफ फिर अल्लाह हु ओम हु अकबर ओम हु अकबर ओम सबसे बड़े हैं ओम सबसे बड़े हैं ला इलाहा है इल्ल ओम कोई पूजनीय के लायक नहीं सिवाय ओम के ओम के <laughs> ये है। बहुत तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो सारे जितने या न्यूज चैनल में जितने मुल्ला मौलवी आके ये सेकुलर, सेकुलर, की बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो उनको बोलिए कि अपने अपने मस्जिदों में ये भेजे सर्कुलर और लगा दे तो उसके बाद आपको कोई फतवा जारी नहीं हुआ नहीं फिलहाल तो फतवा जारी नहीं हुआ है तो इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो, तो, अगर जारी जारी है। करना है तो फिर अरशद क्यों करना है तो उनकी बात पर यह निकाला है तो मुझसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप जाके जब ये लाइव डिस्कशन में चला था तो कई मोमिन आए उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं तो मैंने कहा मुझको मत कही कि मैं गलत कर रहा हूँ आप जाके पहले अरशद मदनी साहब को बोलिए कि आपने गलत किया आपने शिर किया आप डायरे इस्लाम से खारिज हुए आप उनको बोलिए मैं अपनी अजान वापस ले लूंगा तो पहले वहां बोलिए उसके बाद मेरे पास आइए ये डोगलापन नहीं चलेगा कि आप वहाँ पे उनको सही उनका खंडन नहीं कर रहे आप और मैं जब इस तरीके की अजान निकाल रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप का जो ये मूवमेंट चल रहा है एक्सप्रेसिव मूवमेंट उसमें आप कितने सफल अपने आप को मानते हैं अभी तक ये जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो तभी एक दो एक्स मुस्लिम पैरेलली उनका भी चैनल चल रहा था और जब मैं आया था और मैंने चैनल स्टार्ट किया तो बिल्कुल बीस तीस लोग जब मैंने लाइव स्टार्ट किया था जब इंडिविजुअल वीडियोस मैंने डाले थे तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया मुझे उसके बाद फिर मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की क्योंकि मेरा जो बुनियादी मकसद ये था कि मोमिनों के साथ मुझे डिस्कशन करना है एक होता है वन साइड मैं अपनी सी बात रख रहा हूँ उसमें एक इंसान कुछ भी बोल सकता है लेकिन मेरा ये मकसद था कि वैसा मैं नहीं करूँ बल्कि जो भी चीज मैं कहूं उसके साथ साथ जो मोमिन हजरात है उनको मौका मिले वो मुझे गलत साबित करे तो ये मेरी चाहत पहले से थी और यही एम था मेरा तो कुछ स्टैंड अलोन वीडियोज बनाने के बाद फिर मैंने लाइव स्ट्रीम जब स्टार्ट की तो तीस चालीस लोग देखना स्टार्ट किए तीस चालीस लोग केवल केवल तीस चालीस पचास उसके बाद फिर वो अच्छा मैंने एक और एक चीज रखी थी पॉलिसी रखी थी मेरे चैनल पे कि मैं सिर्फ मुस्लिमों से ही बात करूंगा नॉन मोमिनों से मैं बात नहीं करूंगा उनको इस्लाम के बारे में सवाल उठाने इस चैनल पे नहीं दूंगा तो ये जो कॉन्सेप्ट था मेरा कि सिर्फ मुस्लिमों से बात करना है ये लोगों को काफी पसंद आया ऑडियंस जो होती है उनको देखना होता है कि भाई ये जब सवाल कर रहा है इस्लाम पे टैक्स बता के तो जो उसके मानने वाले हैं उनके पास क्या आंसर है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और फिर दूसरी मेरी ये चीज़ थी कि मैं अपना जो भी एतराज़ है वो रिस्पेक्टफुली रखूंगा इजी अंडरस्टैंडिंग मतलब एकदम आसान लैंग्वेज uh, में और रिस्पेक्टफुली रखूंगा तो मैंने वो स्टार्ट किया वो जो फर्स्ट लाइव स्ट्रीम हुई उसमें मोमिन आए और उसमें बहुत अच्छा डिस्कशन चला फिर लोगों को वो पसंद आने लगा काफ़ी डिस्कशंस तो होते होते वो पचास से फिर सौ होने लगे फिर दो सौ लाइव व्यूवरशिप की बात कर रहा हूँ मैं तीन सौ होने लगे चार सौ होने लगे फिर मेरे साथ जो है वो पैनलिस्ट जो है वो भी अच्छे अच्छे पैनलिस्ट आने लगे सचवाला जी आए उसके बाद पाँच छः महीने में एडम सीकर आए मेरे साथ तो जो कॉम्बिनेशन हमारा बना तो वो लोगों को और अच्छा लगने लगा तो वो छः सौ फिर जब पाँच हुआ था तो बहुत खुश हो गया था मैं यार 500 सौ लाइव व्यूअर्स इतनी खुशी मिली थी तभी कि पांच सौ लाइव व्यूअर्स फिर करते करते छह सौ सात सौ आठ सौ और जब हजार हुआ तो खुशी का ठिकाना ही नहीं क्योंकि बड़े से बड़े जो न्यूज चैनल्स होते हैं वो भी जब लाइव उनका होता है तो व्यूअरशिप इतनी नहीं होती है बहुत से लोगों के पचास साठ सौ या दो सौ तो मेरे लिए हजार व्यूअरशिप ये बहुत बड़ी बात थी उसके बाद फिर मेरी आइडेंटिटी लीक हुई मुफ्ती फजल हमदर्द हाँ फजल हमदर्द साहब जो है उन्होंने धमकियां देना शुरू की मुझे कि आप एडम सीकर को हटा दो उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे काम से प्रॉब्लम नहीं है अच्छी बात है कि तुम जो सवाल कर रहे हो तो लोग अः हदीसों से उनको भी प्रॉब्लम है वो बहुत सारी हदीसों को नहीं मानते चॉइस है वो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके काम से प्रॉब्लम नहीं है आपके तरीके से भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप एडम सीकर को साथ में रखना बंद कर दो वरना मैं आपकी आइडेंटिटी लीक कर दू लीक कर दूंगा लाइव में सबको बता दूंगा मैं बोला आपको जो करना है करो मैं नहीं उनको मना कर सकता हूं तो बिल आखिर उन्होंने फिर आ, लाइव करके पूरी मेरी आइडेंटिटी घर का एड्रेस यानी बिल्डिंग का एड्रेस एरिया का नाम क्या करता था मैं कैसे दिखता था उस सारा डिटेल उन्होंने लोगों के सामने बताया अब आपको अच्छे से पता है और सबको पता है मोमिनों को भी पता है कि एक इंसान इस्लाम पे सवाल उठाए तो नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता और हिंदुस्तान हमारा भी मेरे लिए एटलीस्ट इतना सेफ नहीं है कि मैं खुलकर अपनी बात रखूं कई सारे वाकयात हमने देखे हैं नुपुर शर्मा जी का जो इशू पूरा चला था तो नुपुर शर्मा जी के ऊपर तो पूरा बवाल मचा ही था लेकिन जो लोग उनका समर्थन कर रहे थे सिर्फ स्टेटस में भी अगर किसी ने रख दिया तो उन लोगों को भी मारा गया और समर्थन तो आप भी कर रहे थे हाँ लेकिन मैं मिला नहीं ना <laughs> मैं छुपा हुआ था <laughs> इसी वजह से तो कह रहा हूं मैं तो ये जो कन्हैया लाल जी का जो कत्ल हुआ था वो क्या हुआ था उनके बेटे ने मोबाइल के स्टेटस में कुछ रख दिया तो मोमिन जो सरफिर होते हैं इनमें से जो खास करके बरेलवी हजरा हिंदुस्तान में टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें आपको ज़्यादातर वहाँ भी माइंडसेट के लोग मिलेंगे और इश्क़ रसूल में अगर आप देखोगे यानी एक पागलपन की हद तक अगर कोई फिरका जाएगा वो बरेल तो भी, बरेल भी, भी है जैसे टीएलपी वाले हाँ जो भी नाम है वो पाकिस्तान में तो ये ये बर्दाश्त नहीं कर सकते ये अपने मुसलमान भाई जो दूसरे फिरके वाले हैं उनको बर्दाश्त नहीं करते है और बाकायदा इनके जो बड़े बड़े हैं अहमद रजा खान बरेलवी साहब है इन्होंने किताबें लिखी है जिसमें उन्होंने वहाबी देवबंदी गैर मुकल यानी सलफ़ी ये सब के बारे में कहा है कि ये इनका जबीहा खाना भी हराम है क्योंकि इनके अंदर ईमान ही नहीं है तो यहाँ तक इनके फतवे हैं बरेलवियों के और मैं रह चुका हूँ बरेलवियों के बीच में कितने ये सेंसिटिव है वो मुझे पता है तो वो दो जन थे उनका लिंक शायद बरेली अह फिरके से ही था जिन्होंने कत्ल किया अह वो कोई आ, दावते इस्लामी करके कोई कराची का कोई ऑर्गेनाइजेशन था उसके मेंबर थे शायद हाँ तो अह ये यानी खतरनाक चीज है कि आप इस्लाम के बारे में बोलो तो जब मेरी आइडेंटिटी लीक हुई थी तो मैंने फिर आ, बहुत उससे आइडेंटिटी लीक जब हुई थी मेरी उससे पहले मुझे अंदाजा हो गया था कि अब मेरी आइडेंटिटी लीक होने वाली है तो मैं घर बार छोड़ के एरिया छोड़कर मैंने वहां से निकल गया मैं रवाना हो गया क्योंकि मुझे पता था कि अब बहुत जल्द क्योंकि मेरे जो कुछ दोस्त है वो मेरी आवाज़ पहचान गए थे क्योंकि मैं पहले फेस के साथ तो आता नहीं था और उन्होंने पूरा सेटिंग लगाया कि इतने टाइम पर ये जब लाइव होता है साहिल तो ये बंदा कहाँ होता है क्या वो मिलने के लिए रेडी होता है तो इस तरीके के उन्होंने बहुत अंदाजे लगाए कॉल करके मुझे कि भाई आज मेरे को मिलना है तो मैं बहाना बना दे रहा हूँ क्योंकि मेरा लाइव स्ट्रीम है तो उससे उनको यकीन हो गया कि भाई ये वही बंदा है और मुझे फिर कॉल सुन के भी आने लगे तो मैं समझ गया था कि यार अब यहाँ से निकलना जरूरी है मैं निकल गया वहां से और उसके बिल्कुल एक महीने के अंदर अंदर मेरी आइडेंटिटी लीक हो गई तो मैं फिर थोड़ा चैनल जो है वो चेंज कर दिया अपना मैंने कहा कि ठीक है अभी मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन अब जैसे जो दावत देता था तबलीग करता था उसके अंदर कीड़ा होता है वो, वो सुकून से रह नहीं सकता। पहले आप दावत इस्लामी दे रहे थे आप दावत कुफर दे रहे दावत कुफर, दे रहे। कुफर दे रहे। <laughs> तो तो ये जो कीड़ा था मेरे अंदर बहस करने का या डिस्कशन करने का तो बंद करने के बाद मुझे सुकून नहीं मिल रहा था तो मैं कभी कोई आलिम को कॉल कर रहा हूँ कोई बंगाली बाबा को कॉल कर रहा हूँ कि भाई ये ये इस्लाम में है तो सुकून नहीं मिल रहा था फिर मैं मैंने री एंट्री की और फिर इंडिया टी से मुझे इन्विटेशन आया कि आप आइए डिस्कशन करते हैं वहाँ भी गया तो हमारी बात व्यूअरशिप पे चल रही थी तो तब तक मेरी व्यूअरशिप 1500 1600 हो गई थी इसके आइडेंटिटी रिवील होने से पहले ही एकदम बहुत अच्छे से चल रहा था फिर इंडिया टीवी में आया आया मैं और वो डिस्कशन करोड़ों लोगों ने देखा यूट्यूब में ले करोड़ों लोगों ने देखा लाइव में करोड़ों लोगों ने देखा उसके बाद चैनल को बूस्ट मिला मुझे काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइबर बनने लगे और मैं उसी फॉर्मेट पर कायम था कि मोमिन वाली स्ट्रीम में नॉन मोमिन को हम बिल्कुल नहीं लेंगे तो अब व्यूअरशिप जो है वो अठारह सौ दो हज़ार बाईस सौ पच्चीस सौ सत्ताईस सौ तीन हजार चार हज़ार पांच हजार लाइव यूवरशिप की बात कर रहा हूं मैं छे और हजार और वो भी आपके चलती है। तो जब हम शुरू करते हैं तो ये जो अभी का एवरेज छ हजार का है पांच या छ हजार का रहते ही है तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक घंटा लगता है यहां तक पहुंचने के लिए छे हजार फिर ये छह हजार जो है छह या सात आठ दस मैक्सिमम लाइव यूवरशिप मेरी तेरा लाइव यूवर थर्टीन तो ये फिर सुबह होते 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 तक आराम से चार हजार और फिर सात आठ घंटे के बाद कम होते होते तीन हजार तक या उनतीस सौ सत्ताईस सौ लोग पूरे आठ घंटा देखते हैं मतलब मोस्ट ऑफ देम तो मैं समझता हूं कि कोई भी चैनल उसको इतनी कामयाबी नहीं मिली जितना मुझे मिली ये एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ लेकिन अभी भी हमारी जो रीच है कितने है इंडिया का पॉपुलेशन डेढ़ करोड़ है लगभग 140 142 तो है ही उसमें हमारे मोमिन हजरत कितने हैं उसमें मोमिन हजरत सॉरी मोमिन आजाद 25 30 करोड़ तो होंगे नहीं इतने नहीं है 17 करोड़ थे 2011 में और मोमिन हजरत बढ़ा के बताते हैं हमेशा आप अच्छा। जानते हो <laughs> <laughs> आप तो उनमें रहे हुए आप जानते हो हमारे हिंदू भाइयों को ये एक मुगाल्ता है कि ये अपनी पॉपुलेशन कम बताते हैं उन्होंने इसको अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा है हाँ। हिस्ट्री में कहीं भी ऐसा मुकाम नहीं है जो इन्होंने अपनी पॉपुलेशन कभी कम कम बताई हो ये हमेशा बढ़ा के बताएंगे वो उसमें उनको फखर महसूस होता होगा फखर के अलावा बहुत सारे खास तौर से डेमोक्रेसी में तो उनको बहुत सारे उसके लाभ मिलते हैं एडवांटेजेस हाँ, मिलते हैं और उनकी जितनी संख्या ज्यादा दिखाई देती है उतना लोग उनसे डरते हैं तो उनको तो बहुत इसमें मज़ा आता फायदा है। मिलता है मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तो सेंसस करवाया है एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो उसमें ये स्कैम पकड़ा था मैंने ओ हो जिसमें जो है वो बाद में पता चला कि उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए हैं सबको कि सबको एक एक बच्चा बढ़ा के बताना है वाह तो इसलिए बिलीव नहीं, नहीं कर सकते नंबर्स तो पे बताते ही बढ़ा के, बढ़ा के बताने में उनको बहुत मजा आता है उनको लगता है कि साहब हाँ, पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा हो गया हाँ। है गल हाँ। हो गया है और जो है हम बिल्कुल जो अल्लाह का फरमान है वो आपका क्या अमल हाँ। का एट, एट की थर्टी नाइन एट एट थर्टी का तो बस हम उसके नजदीक पहुंचने वाले तो इसलिए वो एक साइकोलॉजिकली भी बढ़ा के बताते हैं आपने तो देखा है आप हाँ। बताइए मैं सही कह कह रहा हूं गलत रहा गलत नहीं सही बात है आपकी आ, होता होगा ऐसे लेकिन जो मैं ये कह रहा था कि भाई मेरी ये सोच है कि जो आपने कहा कि कितना कामयाब हम बीस, हाँ, बीस करोड़ भी अगर ले लेते हैं तो अभी हमारे चैनल की रीच जो है उस परस्पेक्टिव से कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं क्या हम हर घर में पहुंचे हैं क्योंकि मेरा ये एम है या टारगेट है कि हर घर से एक साइल निकलना चाहिए एक <laughs> तो 20 करोड़ का मतलब हुआ कि कम से कम तीन चार करोड़ फैमिली तो होंगी हाँ तो हर एक घर से एक काफी है क्योंकि एक निकल गया क्योंकि अपना जो घर वाला होता है मोस्टली और हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो वो अपने घर वाले को तो मारना नहीं चाहेगा तो जब वो देखेगा दूसरे के वहां कोई एक्स मुस्लिम हुआ उसको मारने से पहले सोचेगा मेरे घर में भी है तो मैं उसको मारने का कैसे सोच सकता हूँ या उसका नुकसान पहुंचाने का कैसे सोच सक सोच सकता हूं या उसको बेदखल करने का कैसे सोच सकता हूं और एक तो है कि मुसलमानों तक पहुंचना है मुझे दूसरा है नॉन मोमिनों तक पहुंचना क्यों क्योंकि अल्लाह ने मोमिनों को एक टास्क दिया है कौन सा टास्क लोगों को इस्लाम की दावत देने का और आप देखिए कि ये और दावत नहीं देने पे जंग करने का <laughs> तो, नहीं तो नहीं कबूल करने पे जंग करते हाँ वो तो रसूलुल्लाह का और साहबा का ये तरीका रहा है कि जब वो तो कोई नॉन मोमिन कबीले पे जब वो अटैक करते तो पहले उनको ऑप्शन देते कि भाई इस्लाम कबूल कर लो सच्चा मजहब है एक अल्लाह और एक रसूल अगर ये मंजूर नहीं है तो जिजिया दो नीचे हो के सेकेंड क्लास बन के जलील होके के सबा की आयत नंबर उन्तीस अगर वो भी आपको मंजूर नहीं है तो आ जाओ फिर जंग में या आप बचोगे या हम बचे अच्छा ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ ये कुरान में भी है ये हदीस में भी है और बाकायदा डॉक्टर इसरार अहमद साहब की काफी सारी वीडियोस जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है उन्होंने भी यही सेम चीज कही है सब सभी भी कहा है आपके अबू अबुल्ला मौदूदी भी उनकी क्योंकि यही प्रोसेस है ये पुरानी तफसर है अभी ये कुछ मेकअप आर्टिस्ट आए हैं मौलवियों में जो हिंदू को काफिर नहीं समझते वो कहते कि नहीं हिंदू काफिर नहीं है वो काफिर दूसरे है कोई कहता है काफिर सिर्फ एति लोग है मतलब अपनी मन मर्जी के आप कुछ भी माने इंटरप्रिटेशन <laughs> निकालो ताकि तो लोगों को बेवकूफ बनाओ साजिद रशीदी जैसो की बात कर रहे हैं क्या <laughs> <laughs> तो नॉन मोमिन के लिए इसके लिए जरूरी ये तो है आलिम भी नहीं माने जा सकते नॉन मोमिनों के लिए इसके लिए जरूरी है क्योंकि बहुत धड़ल्ले से जो दावा ऑर्गेनाइजेशन है ये लोग तबलीग का काम करते हैं मैं रह चुका हूँ मुझे मालूम है मैं जिस एरिया में रहता था धारावी में वहाँ मैंने कई सारे नॉन मुस्लिम्स को देखा है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एकदम एक्टिव होती है खास करके ये जाकिर नायक के मानने वाले जितने हैं और इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेन के बाहर अपना वो ठेला लगा देते हैं दावत का फिर उसके बाद आप देखिए कि मोमिन चाहे वो ड्राइवर हो चाहे डॉक्टर हो चाहे पेशेंट हो चाहे ऑफिस में काम करने वाला हो चाहे कुछ भी हो उसके अंदर दावत का कीड़ा होता है एक गलत करने वाला मोमिन यानी एक ऐसा मोमिन है जो दारू पीता है तो वो दोस्त लोग के साथ जब दारू पीने जाएगा तो वहां भी दावत करेगा इस्लाम की अच्छा दारू पीते <laughs> पीते भी, थे, भी, थे, भी। इस्लाम सच्चा है ठीक है मैं गुनाह कर रहा हूं लेकिन इस्लाम सच्चा है क्योंकि देखिए सूरे निसा, सूरे चार, उसकी आयत नंबर में अल्लाह अल्लाह कहता है के, शिर्क के अलावा चाहेगा कोई भी गुना माफ कर सकता है शिरक माफ नहीं करेगा अल्लाह के साथ किसी को आप शरीक नहीं कर सकते उसकी सिफात में उसके नाम में उसकी रुबूबियत में उसके अलावा अल्लाह चाहेगा तो माफ कर सकता है या तो सजा देके माफ़ करेगा या तो डायरेक्टली माफ करेगा तो आप दारू पी रहे ठीक है गुनाह है वो साथ ही साथ लेकिन अगर कोई दारू पीने की चक्कर में अगर कोई इस्लाम लेके आ जाता है तो ये तो बड़ा सवाब हो गया हो सकता है उसकी जन्नत का बाईस बन गया हो तो ये जो कीड़ा है ये बहुत तेजी से फैलता है दावत देने का और इसमें जो नॉन मोमिन है हिंदूज है जिनको अपनी किताबों का अपनी फिलॉसफी का पता नहीं होता है तो ये इनके कुछ सवाल होते हैं जैसा मैं भी करता था तो वो क्या करते हैं वो चीज़ें उनको सामने डाउट्स लेके आते रहते हैं फिर इस्लाम में क्या क्या मेकअप आर्टिस्ट अच्छा ही है वो उनको बताएंगे तो कई सारे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा टारगेट सिर्फ मुस्लिम नहीं है मुस्लिम तक भी जानी चाहिए मेरी बातें और नॉन मुस्लिम तक भी जानी चाहिए क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर नॉन मोमिन जो है वो हमारे चैनल को देख ले हमारी वीडियोज़ को देख ले उसके बाद अर्श के ऊपर से अल्लाह भी अगर जमीन पे आ जाए तो इस्लाम कबूल नहीं करेगा क्योंकि उसको हकीकत पता चल जाएगी लेकिन अगर एक इंसान को ऑलरेडी दावत दी गई है उसका माइंड वॉश किया गया ब्रेन वॉश फिर उसके बाद आप उसको अगर समझाने जाओगे तो बहुत मुश्किल होता है कि वो समझेगा उसको लगेगा कि ये प्रोपागेंडा कर रहा है ये नफरत फैला रहा है तो वैक्सीनेशन जो है आप पहले क्यों देते हो ताकि वायरस आप पे इफ़ेक्ट ना करे इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो ये मैं चाहता हूँ कि उस लिहाज से हम अभी भी पीछे हैं बाकी चैनल बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है और लोग देख भी रहे हैं लेकिन और आगे तक पहुँचना है तो आपके चैनल को इंडिया में बैन कर दिया गया है ऐसी बात आई है इसके पीछे कौन है कौन लोग आपसे ईर्षा रख रहे हैं क्या आपके एक्स मुस्लिम मूवमेंट में ही आपस में दरारें हो गई हैं असल में क्या होता है ना कि अभी प्रॉब्लम मेरे से प्रॉब्लम और मेरे जो साथी है जो मेरे साथ साथ में एक्टिविज्म करते हैं तो सिर्फ मोमिनों को ही नहीं कुछ नॉन मोमिनों को भी हमसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है पहले ऐसा होता था कि हमारी वीडियोस ब्लॉक होती थी लेकिन पाकिस्तान में दो साल के ऊपर हो गया है चैनल को अभी ये एक महीने से पहले तक सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री थी जहाँ वीडियोज ब्लॉक हो रहे थे वो पाकिस्तान था इंडिविजुअल वीडियोज ब्लॉक हो रही थी और उसके बाद फिर गवर्नमेंट लेवल पे पूरा चैनल ब्लॉक हो गया उधर तो वो हमको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था पाकिस्तान है उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप कि वो इस्लाम की सच्चाई कोई बता रहा है और वो देखने देगा उसको भी डर है ऐसी मौलवी इनके नेशनल टेलीविजन पे वो छे सात मौलवी बैठ के रो रहे थाए धाई हाँ वो आया था <laughs> अभी रमजान की बात है आ, हा, हा, चार लाख ऑफिशियल नंबर है जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर रहे हैं एथियस्ट हो गए मुरतद हो गए वो रोते बैठे बेचारे उधर तो वो तो नहीं चाहेंगे कि ये नंबर्स बढ़े तो वहाँ ब्लॉक हो रहा था तो इतना कोई हमको मसला नहीं था ना अजीब लग रहा था लेकिन ये लास्ट वन मंथ से एक एक वीडियोस मेरी इंडिया लोकेशन पे ब्लॉक होना स्टार्ट हुई कभी गवर्नमेंट एंटिटी का हवाला दिया गया यूट्यूब जो है वो बहुत जेनरिक ई आपको भेजता है कि सिर्फ इतना लिखेगा कि ये गवर्नमेंट एंटिटी से आया क्या है क्या वजह है वो सब कुछ नहीं बताता तो एक एक वीडियो ब्लॉक होने लगी गवर्नमेंट एंटिटी कोर्ट ऑर्डर्स तीन चार वीडियो में ब्लॉक की गई और उसमें लिखा गया कि कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से फिर अभी रिसेंटली तीन चार दिन पहले अचानक से मुझे सुबह ई आता है कि लीगल कंप्लेंट है और आपका चैनल इंडिया से पूरा चैनल ही ब्लॉक हो गया तो हमने ट्विटर ट्रेंड भी चलाया था और अभी अपील करना बाकी है यूट्यूब पे कि किस बेसिस पे किसने किया है अब वो डिटेल्स निकालना पूरी बाकी है अभी जैसा डिटेल्स आएंगे तो उस हिसाब से हम फिर यूट्यूब को भेजेंगे कि भाई सही है या गलत है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ अब इंडिया में भी बंद हो जाएगा क्या नहीं मुझे लगता भी नहीं है कि ये जो आपने मुझे दिखाया था उसमें लीगल एंटिटी लिखा हुआ है शायद वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी लीगल एंटिटीज हैं यहाँ तो जिसमें पुलिस जो है हर थाना एक लीगल एंटिटी है तो हर थाने में कोई जाके जो है वहाँ भी तो बैठे हुए हैं इनके सब जगह पे नहीं और, और लेकिन कुछ वीडियोज है वो गवर्नमेंट एंटिटी के हवाले से भी बैन हुए ना तो कौन सी गवर्नमेंट एंटिटी है जो यहाँ पे हमारी वीडियोज को ब्लॉक कर रही है गवर्नमेंट एंटिटी तो एक ही है देखिए वो तो जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग उसका जो राइट है वो तो वो एक्सरसाइज करेगी तो फिर वो गवर्नमेंट एंटिटी बोलेंगे हाँ तो बाकी तो फिर लीगल एंटिटी का मतलब तो पुलिस भी हो सकती है कोई स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है नहीं तो फिर गवर्नमेंट एंटिटी अगर आप कह रहे हैं कि ये है तो भाई फिर वो क्यों ब्लॉक कर रही है क्यों बैन कर रही है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खत्म हो गई हमारी और क्या ऐसा क्या कर दिया एंटी हिंदू चैनल एंटी क्रिश्चन चैनल मजे से चल रहे हैं कोई उनका ना वीडियो बैन हो रहा है ना चैनल बैन हुआ है ना ब्लॉक हुआ है सारी प्रॉब्लम बस एक मजहब के बारे में आप नहीं बात कर सकते ये तो पूरी दुनिया में आपको पता नहीं है आपको अभी रिसेंटली डिस्क्लोज हुआ कि साहब की एफ को जो इस्लाम के बारे में ट्रेनिंग दी जाती थी है? वो रोक दी गई और ये कहा गया कि कोई भी इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी बात होगी कोई करेगा तो वो नॉन मुस्लिम नहीं कर सकता और कोई मुस्लिम भी होगा उसको भी जब मुस्लिम ब्रदरहुड सर्टिफाई करेगी तब कर सकेगा ये यूएस का हाल है और इस्लामो फोबिया जो है उन्होंने वो रिक्नाइज कर लिया <laughs> यानी भाई क्रिश्चियन फोबिया नहीं किया हिंदू फोबिया नहीं किया जू फोबिया नहीं किया इस्लामो फोबिया कर दिया क्यों क्यों भाई स्पेशल है क्या यानी सादा सारा अधिकार जो है वो दुनिया पे इस्लाम का ही है ना गलबा हाँ गलबा उनका ही होना है अल्लाह ने भी कहा है कि पूरा का पूरा दिन अल्लाह का होना चाहिए रसूलुल्लाह की भी यही चाहत थी तो वो स्पेशल है हम सब तो कीड़े मकोड़े से बदतर है अल्लाह खुद कहता है जो मुशरिक <laughs> है जो काफिर है जो अहले किताब में से है वो बरिया है वर्स्ट ऑफ क्रिएचर <laughs> वर्स्ट ऑफ <और> क्रिएचर <laughs> तो उनका हक है ना कि <laughs> वो लास्ट चलाए अपनी अगर जे कम भी हो तो अपनी मनवाए तो ये वहां से आ रहा है और वो कर रहे वो प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम ये है कि इनकी बातों में अथॉरिटी आती है अपीजमेंट के चक्कर में हमेशा मार खाए हैं वही चल रहा है अपीजमेंट के चक्कर में तो पाकिस्तान बना तो जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है उसमें भी कुछ दरारें दिख रही हैं हाँ देखिए क्या होता है ना कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो यानी दो इंसान कि उसकी हर एक बात आ, मैच हो आइडियोलॉजी आप मेरी हर बात से इतफाक नहीं रख सकते आप एक अलग मतलब इंसान हम है लेकिन आपकी थिंकिंग आपकी सोच आपके पैरामीटर्स अलग होंगे मेरे पैरामीटर्स अलग होंगे कुछ पॉइंट्स कॉमन भी होंगे कुछ में इख्तिलाफ़ भी होगा तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन कि कोई जो एक्स मुस्लिम है उसको मेरी कोई बात पसंद नहीं आ रही मेरा कोई तरीका पसंद नहीं आ रहा सो दैट इज़ फाइन मैंने हमेशा से कहा यह बात एक्स मुस्लिम्स के ताल्लुक से कि भाई आपने जिस आ, एम के साथ चैनल को आपने ओपन किया है उस पर टिके रहो आपने चैनल ओपन किया लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया सपोर्ट किया वो इसलिए कि आप इस्लाम की हकीकत लोगों को बताएं ना कि इंटरनली क्या हो रहा है मैं क्या कर रहा हूं दूसरा कोई क्या कर रहा है उससे किसी को क्या लेना देना आप इस्लाम पे बात करो तो हुआ है कुछ यानी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है लेकिन मैं अभी भी यही सबको सजेस्ट करूंगा और मेरे ऊपर भी ये लागू होता है कि जो फोकस है हमारा उसको ना भूले जो एम है उसको ना भूले आप इस्लाम की हकीकत बताइए लोग आपको सपोर्ट करेंगे देखेंगे क्योंकि आज की जरूरत है तो देखते हैं अगर समझ में आ जाए सबके तो अच्छी बात है वरना जो मिशन लेके चले हैं उसमें ज्यादा दिन फिर टिक नहीं पाएंगे कोई किसी की आइडेंटिटी लीक कर दे रहा है <laughs> कुछ दूसरा इन्फॉर्मेशन बता दे रहा है आप देखिए सचवाला जी इतना जबरदस्त काम कर रहे थे उनका लेवल कितना ऊपर था सिर्फ कुरान को लेके चल रहे थे वो और अच्छे अच्छे आलिम जो है उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे लेकिन अब आज उनका चैनल एक्टिव नहीं है हालांकि अभी सबसे खतरे में अगर कोई एक कम्युनिटी है हिंदुस्तान में तो एक्स मुस्लिम है एक्स मुस्लिम ये बहुत माइक्रो लेवल की एक कम्युनिटी है जो उभर के आ रही है उभरने से पहले ही उसको अगर खत्म करवा दोगे आप इतना डेंजर है कि अगर कोई किसी का लोकेशन भी अगर रिवील कर देता है तो कोई भी सरफिरा जाके उसको मार सकता है नुकसान पहुंचा सकता है तो ये लोगों को समझना चाहिए कि अपने पर्सनल गेन के लिए इख्तलाफ हो सकते हैं वो एक अलग बात है लेकिन किसी की जिंदगी को खतरे में डालना ये सही नहीं है तो एक बड़ा चैनल उस वजह से ही बंद हो गया करेक्ट इसको अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से तो कुछ ये बताएं कि आपकी जो ये जर्नी है पहले आपने कहा कि आप तबलीग करते थे जी तो पहले तो आप एक नॉर्मल लाइफ लीड करते होंगे एज ए टीन जी फिर आपको शौक़ लगा इस्लाम का जी और फिर धीरे धीरे उससे आपकी दूरियां बढ़ी जैसे जैसे आपने समझा तो ये जो आपकी जो जर्नी है इसको थोड़ा जरा बताने का कष्ट करे जी आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा जो है वो बिल्कुल जैसे बाकियों का होता है खेलना कूदना मौज करना मस्ती करना ये बहुत किया मैंने मेरा बचपना दोस्तों के साथ जो एरिया के जो दोस्त थे और हम लोग तो आ, समझ लीजिए कि वो चौल में रहते थे धारावी का तो हर किसी को मोस्टली पता ही है वहां की गलियों में मैं बड़ा हुआ हूँ लेकिन एक चीज थी कि शुरुआत से मेरे जो घर वाले है ननिहाल में मेरा पालन पोषण हुआ तो वो लोग रिलीजियस थे रिलीजियस इन देंस ऐसे वो कट्टर वाले रिलीजियस नहीं बहुत सारे जो मुसलमान होते हैं जब मैं उनको कट्टर कहता हूँ तो वो इस सेंस में नहीं कि वो जाके किसी का गला काट देंगे या कोई काफिर का गला काट देंगे उस सेंस में नहीं रिलीजियस या कट्टर इस सेंस में कि आपने पांच टाइम की नमाजें आपको पढ़नी है वो आप मिस नहीं कर सकते हो क्योंकि देखिए कि ग्राउंड लेवल पे हकीकत ये है नाइन्टी परसेंट के आसपास लोग रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं वो लोग पांच टाइम की नमाज नहीं पढ़ते जो पांच टाइम की पढ़ते उसमें भी कई सारे लोग फजर की फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते सुबह वाली भारी पड़ती है तो उसमें बहुत से लोग पढ़ते ही नहीं फिर बहुत से लोग वो जब जहर की नमाज होती है नून वाली तो उसमें वो कजा कर लेते हैं तो अक्सरियत तो नमाज खर, पढ़ती है आपने पढ़ना था उसमें आपने नहीं पढ़ा तो आप अभी जो टाइम निकलने के बाद अगर उसको पढ़ते हो तो आपने कजा कर दी यानी वो वक्त पे नहीं पढ़ा बाद में आप पढ़ते हो उस पर गुना मिलेगा तो अक्सरियत नहीं पढ़ती है नमाज बहुत से लोग सिर्फ जुमा वाले होते है दो रकात पढ़ी कलटी मस्जिद से तो हमारा घर ऐसा नहीं था हमारे घर में पकड़ होती थी नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी आपके निहाल में और आपके घर में किस मसल को फॉलो करते थे आ, मेरा मेरे घर पे असल में जो मेरी नानी थी वो थोड़ा सा मिक्स थी यानी दरगाह इरगाह पे भी जाते थे लेकिन उसके बाद फिर मेरे जो मामा है वो तबलीगी जमात से जब जुड़े और काफ़ी वक्त उन्होंने उसमें लगाया तो फिर आहिस्ते आते पूरा घर जो है वो चेंज हो गया दरगाह गिरगाह जाना बंद कर दिए और पूरा तबलीगी जमात जैसा सिस्टम फॉलो होने लगा और मैं भी जमात में सिर्फ एक बार गया हूँ क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आता था जमात में जाना क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि मेरा घर सबसे बेस्ट नमाज पढ़ना है जो भी करना है घर पे पढ़ो लेकिन तबलीगी जमात वाले इतने सरदर्द होते हैं कि हकीकत हकीकत बता, बता रहा हूँ बता रहे हैं कि साहब छोड़ते ही नहीं है उसको तकलीफी जमात भी कहते हैं बहुत तकलीफ़ी है उनको वाइट पुलिस कहा जाता है मुसलमान जो है उनको वाइट पुलिस भी कहती है व्हाइट पुलिस हाँ व्हाइट पुलिस मतलब वो कैसा है ना कि वो मोहल्ले में घूमते रहते हैं उनमें से अक्सर आप देखो तो गंदा वाइट कलर का कुर्ता रहेगा mm. हकीकत बता रहा हूँ mm -hmm. कोई इनकार कर दे तबलीगी अक्सर जो जो ज्यादा जमात में घूमता है वो व्हाइट कलर का कुर्ता पहनता है अब वो जाहिर सी बात है कि वो इसमें से अक्सर जो है वो कोई पॉश लोग तो नहीं होते नॉर्मल लोग भी होते हैं काम धंधा करना है तो कपड़े तो गंदे होंगे तो गंदा वाइट कलर का आपको ज्यादातर कपड़ा मिलेगा तबलीगी जमात में तो ये क्या है ना ये अभी इनका लेकिन फिर भी बहुत कम हो गया है जब से मोबाइल वाइल आया है तो लोग ज्यादातर मोबाइल में ही बयानत ये सब सुन लेते हैं लेकिन वो टाइम ऐसा नहीं था तो ये लोग गली गली जा एरिया में रोड पे कहीं भी आ, लोगों का अगर मजमा है तो जाके लोग तबलीग अपनी स्टार्ट कर देते थे कि आप नमाज की तरफ आओ नमाज मुसलमानों में ही करते हैं कि हाँ है की जमात मोस्टली मुसलमानों में करती है इनके एक आधी में जो गैर मुस्लिमों पे में भी मेहनत करते हैं लेकिन मोस्टली ये जो जमात है ये मुसलमानों में जो गए गुजरे लोग होते हैं गए गुजरे इन देंस दारू पीने वाले चरस गांजा गलत काम कर रहे तो तो, जाने वाले हाँ दरगाह जाने वाले दरगाह जाने वाले को ही पकड़ते हैं लेकिन ये सीधा उनको ये कभी नहीं कहते कि आप दरगाह मत जाओ या दरगाह जाना गलत है ये कभी इस तरीके से किसी को नहीं करते वो मोस्टली आपको कहेंगे कि आपको नमाज पढ़नी है और अच्छा बनना है इस तरीके की वो बात करके अट्रैक्ट करते फिर वो दरगाह जाने वाला भी होगा तो इनके साथ रह रह के फिर वो बंद कर देता है तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई देखा किसी को टीनेजर को देखा या फिर ये चरसी गर्दुल्ले चोर चकार ये लोग को मोस्टली पकड़ते हैं फिर मस्जिद तक लेके आते हैं फिर वहां पे उनको जमात में जाने के लिए उभारते हैं तो मेरे को भी ऐसा बहुत उभारते थे लेकिन मेरे को घर छोड़ के जाना या एरिया छोड़ के जाना पहले से पसंद नहीं था तो मैं नहीं जाता था लेकिन एक बार छुट्टी छुट्टी हुई थी तो वो घर वालों ने बहुत जबरदस्ती किया कि चलो 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 तो एक बार मैं तीन दिन की जमात में गया उसके बाद गया नहीं लेकिन तबलीगी जमात से मैं जुड़ा हुआ था उनकी आगे चालीसा होता है ना तीन दिन होता है चालीस दिन होता है जिसको चिल्ला कहते हैं चिल्ला हाँ और एक चार महीना होता है चार महीना चला गया या चिल्ला चला गया तो जैसा गया है पैंट शर्ट पहन के अब रिटर्न आएगा तो कुर्ता पैजामे में आ जाएगा उसके बाद ऊपर वाली पॉकेट में एक मिसवाक थोड़ा पॉकेट से बाहर मिसवाक दिखेगा दाढ़ी उड़ी आ जाएगी मुचेक क्या बोलते हैं उसको एक टूथब्रश तो उसको मिसवाक मिसवाक को यार ये नीम की जैसी जो नीम की होती है दातून 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 तो वो नीम की भी होती है बेरी की भी होती है तो मिसवाक आ जाएगा सुन्नत है और फिर दाढ़ी बढ़ जाएगी मुछी गायब अलग उसका पूरा ये जो ये जो ये मूछ गायब वाला जो है हाँ। ये सुन्नत जो है ये मैं देखता हूँ कि ये जो देवबंदी है ये तो मुझको इसमें नहीं दिखाई पड़ते लेकिन ये तबलीगी है देवबंदी से निकले हैं वो इस तरह से रखते हैं बरेलवी में ज्यादातर लोग मुझको इस तरह से दिखाई पड़ते हैं तो इसमें क्या है कौन मसलक जो है वो इसको फॉलो करती है आपके जो हनबली है जो अरब वाले हैं उनमें से कोई इस तरह इसको फॉलो करता नहीं दिखता असल में रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि अपनी मुछों को कतरो और दाढ़ियों को छोड़ दो अब असल में इस्लाम में हर चीज में इख्तलाफ है हाथ मिलाने पर भी इख्तलाफ है आपको पता है अच्छा हाँ <laughs> जो ये जो मुकल होते हैं उनके नजदीक दोनों हाथ मिलाने का ओहो हाँ ऐसा अच्छा और जो वहा है अहले मुखलिद है, है उनके वहाँ पे एक हाथ मिलाना है उस पर भी झगड़ा करते रहते हैं लोग लड़ाई करते अच्छा और काफिर से? काफिर से तो हाथ मिलाना ही नहीं है क्योंकि भाई वो काफिर आपका दोस्त ही नहीं है लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में रहते हैं तो एक मल्टी कल्चर में आदमी दूसरा दूसरे की बहुत सारी चीजें ले लेता है ये मेरा ऑब्जर्वेशन है मैं बता रहा हूँ और मुझे इस बात में कोई वो नहीं है बताने में आ, ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ चढ़ के बोलूँ नहीं यार इनके दिलों में काफिरों के लिए नफरत है मेरे दिलों में भी मे, मेरे दिल में भी कभी नफरत नहीं थी काफिरों के लिए तो ये जो दाढ़ी में भी इख्तलाफ है जो मुकलद हजरात है उनके नज़दीक आप जो एक ये है ये साइज कोई यहां से पकड़ता है कोई यहाँ से पकड़ता है इसके नीचे आप नहीं बढ़ा सकते अच्छा हाँ, हाँ। ओ, मैं देखता हूँ लखनऊ में वो नदवे वाले है ना वो इस तरह के रखते हैं हाँ इतना और जो गैर मुकलद एल है उनके नज़दीक ये यूज नहीं करने का दाढ़ी पे अब वो चाहे यहां तक भर जाए दाढ़ी और वो नीचे तक आ जाए उसको काटने का नहीं अच्छा उसमें कतरने का जो सीन है तो ये लोग क्या करते मोस्टली तबलीगी लोग ये पूरा शेव कर देते उड़ा ही देते उड़ा के भाई कम से कम आईने में अपनी शक्ल भी देख लो कि आप कैसे से कैसे हो गए खैर लेकिन वो उनका मसला है तो पर्सनल चीज में मैं क्या बोलूँ वो उनकी मर्जी है वो सुनत समझ के कर रहे हैं तो खास करके जो तबलीगी जमात वाले होते हैं या देवबंदी होते हैं वो मुझे पूरी एकदम क्लीन शेप जैसी मूचे उड़ा देते हैं और जो एल है और बरेल भी है ये थोड़ा हल्का हल्का उसको ट्रिम करते हैं। पूरी नहीं उड़ाते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है ओके। तो बात जो आपके हैं अरब वाले

छोड़ना नहीं है गैर जो हदीस है उनके नजदीक ये आपको दाढ़ी पूरी बढ़ाना है तो खैर ये जो तबलीगी फिर उनके अंदर जो है वो चेंजेस आता है अच्छा खासा एक स्टूडेंट टीनेजर वो पढ़ाई में ध्यान देने वाला ये इनकी चक्कर में आ जाता है पढ़ाई उड़ाई छोड़ देता है इसमें लग जाता है अच्छा खासा जॉब करने वाला वो इनकी चक्कर में आ जाता है जॉब छोड़ देता है क्योंकि जॉब करेगा तो तीन तीन दिन वहां छुट्टी तो मिलेगी नहीं चालीस दिन छुट्टी मिलेगी नहीं वो जॉब भी छोड़ देता कई लोगों की जिंदगी इन्होंने एक जो फ्यूचर हमारे देश का बन सकता था बच्चा वो इनकी चक्कर में वो पढ़ाई लिखाई ये सब छोड़ देता है तो ये तबलीगियों के कारनामे में अब मुझे समझ में नहीं आया कि तबली अच्छा हाँ तो मेरे मामा जो है वो तबलीगी जमात में थे मैं भी जमात में गया था एक बार लेकिन उसके बाद में नहीं गया लेकिन मैं तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था मस्जिदों में उनके बयान में अन सुनना तो ये रिलीजियस मेरा घर का माहौल था तो जो मज़े मस्ती खेल कूद वो तो करना है साथ में नमाजे भी पढ़ना है घर पे अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हो तो आपको पकड़ होगी तो इस तरीके से मेरा जो बचपना गुजरा है रिलीजियस था काफी मैं तो अब जब टीनेज पे आप पहुंचते हो तो उस टाइम पे टीवी पर केबल में जाकिर नायक के वीडियोस काफी चलते थे केबल पर जी 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 सुबह सुबह एक घंटा उसका वो रहता था डिबेट हो गया या लेक्चर हो गया तो वो जिस तरीके से अपनी बात को रखता था कुरान की चैप्टर नंबर दिस वर्स नंबर दिस चैप्टर नंबर दिस वर्स नंबर दिस चैप्टर नंबर दिस तो बहुत इंप्रेसिव हो जाता है लोगों के लिए तो सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी मैं भी काफी इम्प्रेस हो गया था फैन हो गया था जाकिर नायक का और उसमें बार बार वो एक कुरान की आयत का हवाला आता है कि भाई आपको अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है उसकी आयत में अभी भूल रहा हूँ एक्जैक्टली exactly. वरना काफ़ी वो आयत मैंने पढ़ी है और जाकिर नायक भी वही आयत पढ़ता है तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो इस्लाम में बढ़ने लगा बढ़ने लगा और टीन एक ऐसा फेज है जहाँ पे लोग जो बच्चे हैं वो या तो जिस लाइन में वो घुसते वो टोटली उसमें घुस जाते अगर कोई समझे गलत लाइन पकड़ लिया नशा नशे की उसको आदत हो गई तो वो टोटली उसमें घुस जाएगा कोई ज़्यादा रिलीजियस हो गया तो एकदम से उसमें चला जाएगा तो मेरा मामला ये था कि मैं नशे उशे में नहीं गया मेरा पूरा इंटरेस्ट आ गया इस्लाम में और उसको सीखने में याद करने में और दावत देने में वो भी जाकिर नायक वाली स्टाइल में तो टीनेज में मैं काफ़ी जाकिर नायक की वीडियोस देखता था उसके बाद पहले तो तबलीगी था तो कॉलेज में मेरा एक दोस्त था वो शेख मिराज रब्बानी और शेख रहमान दोनों एक तो पाकिस्तानी है जो सऊदी में और मिराज रब्बानी भी हिंदुस्तानी है लेकिन सऊदी में तो ये लोग जो गैर मुकलद वाला जो फ़िरका है अहले हदीस ये लोग बढ़ चढ़ के इस चीज़ को लोगों के सामने पेश कर रहे थे कि ये जो मुकलद है या देवबंदी है या बरेलवी है ये इनके अकाइद सही नहीं है इनका बिलीफ सिस्टम सही नहीं है इनका नमाज का तरीका सुन्नत वाला नहीं है रसूल के तरीके पे नहीं है तो कुछ वीडियोस सीडी का जमाना था तभी कुछ सीरीज इनकी मेरे दोस्त ने दिया तो घर पे मैं उसको सुनते बैठता था जाकिर हाँ लेकिन वो बोलता नहीं है उसके तो 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 उसका जो आई आर एफ है वहाँ पे भी जितने मोस्टली आलिम विलिम होते हैं वो सारे एल हदीस होते हैं Mostly, लेकिन वो कहता नहीं था खुल के क्योंकि एक से अगर सेना तो तो है काम करूंगा इसीलिए उसको सऊदी से बहुत लंबी मिलती थी हाँ आती होगी फंडिंग अब उनका फिनेंशियल सिस्टम क्या है वो तो मुझे पता नहीं है तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा लेकिन उनकी उनको फंडिंग काफी आती है हाँ तो मेरा रुझान जो है वो अब तबलीगी से हटके जाकिर नायक पे हो गया जाकिर नायक और एहले तो मैं हदीस हो गया जब हदीस हुआ तो काफी घर में प्रॉब्लम हुआ घर वाले तबलीगी क्योंकि बर्दाश्त नहीं करते लोग एक फिरके वाला अगर इस्लाम छोड़ने की तो दूर की बात है सिर्फ वो फिरके से भी निकल जाए तो भी बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए तो घर पे बहुत इशू हुआ कि भाई अच्छा खासा तबलीगी था ये किन की चक्कर में फंस गया इतने कट्टर रहे लोग हर चीज को गलत बोल देते बरेलवियों <laughs> ने तो, तो ये कह रखा है कि अगर फिर बदल लिया तो उनके साथ तो आपकी आपका निकाह खत्म हो जाएगा हा, 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 आप कलमा पढ़ना पड़ेगा फिर से निकाह आपको करना पड़ेगा बहुत सारे इनके बीच में जो इख्तलाफ और शिद्दत पाई जाती है तो मैं तो मेरे अंदर भी काफी शिद्दत सबकी नमाजें भी अलग होती है सब तरीका अलग है अब देखिए कि जो बरेलवी और देवबंदी है ये दोनों है मुकलिद नी इमाम अबू हनीफा के मोस्टली इनके अंदर इमाम अबू हनीफा के तो मानने वाले दोनों हनसी है। दोनों हनफी है इमाम अबू हनीफा को मानने वाले शाफी भी है जो बरेल भी है लेकिन मेजोरिटी में आपको हनफी मिलेंगे अब इनके अंदर भी नमाजे अलग है एक जो है वो आजान से पहले दरूद पढ़ रहा है दूसरा बोल रहा है नहीं दरूद पढ़ना बिदत है साबित नहीं है एक जो है जब नमाज खड़ी हो रही है जमात की और वो इकामत देता है क्या कहते हैं उसको तो बंगी साहब या मोहजिन आप कह लीजिए या जो पीछे इकामत देता है तो वो बरेलवी हज़रात जो है वो हया हया सलाह पे उड़ जाते हैं सारे के सारे एक साथ और जो देवबंदी हजरात है वो जैसा मोहजिन देवबंदी और जो ये है अपने गैर मुखल एहल सलफ़ी ये जैसे ही मोहजिन खड़ा होगा इकामत देने के लिए तो ये सारे सब बंदी कर लेते हैं खड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस हनफी होते हुए भी इनके अंदर है काफ़ी बरेलवी और ये देवबंदियों में भी है तो हर चीज़ में खैर इख्तलाफ है इनके अंदर तो मैं एक साइड तो गैर मुस्लि गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दे रहा था ऑफिस में मैंने कॉल सेंटर में काम किया है और उसके बाद फिर दूसरी कंपनीज में भी काम किया है आपका एजुकेशन क्या रहा? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस ओके हाँ बी एस इन कंप्यूटर साइंस किया लेकिन आईटी फील्ड में कभी काम नहीं किया क्योंकि वो टाइम पे कोई गाइड करने वाला नहीं था मुझे बस जॉब मिल रही थी तो लग जाना था तो एक कंपनी में जॉब मिल रही थी वहाँ में लग गया था उसके बाद फिर कॉल सेंटर में मैंने जंप मारा वहाँ पे कुछ ढाई साल मैंने काम किया फिर तो उसके बाद आ, नाइट शिफ्ट से परेशान हो गया मैं उल्लू की तरह जागना बहुत भारी पड़ता था मुझे <laughs> और आज ऐसा हो गया कि पूरी रात रात जागते <laughs> तो फिर उसके बाद मैं कॉरपोरेट में आया बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी में एक कंपनी में साढ़े चार साल काम किया फिर दूसरी कंपनी में तीन साल काम किया तो मल्टीकल्चरल कल्चरमेंट मेरे को हमेशा तो इसमें तो ये नमाज वमाज की दिक्कत नहीं आती थी क्या जाते थे जैसा टाइम हुआ तो नमाज जो ब्रेक मिलता था लंच ब्रेक तो वो टाइम पे चले जाते थे फिर शाम का जो ब्रेक मिलता था उसमें असर की नमाज पढ़ लेते थे छे बजे साढ़े छ बजे ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता था फिर रास्ते में कोई मस्जिद मिल गई वहाँ पढ़ लेते थे यानी नमाजें मैं एकदम कोई भी चाहे कॉल सेंटर में कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ अगर आस मस्जिद नहीं है तो वहां पर जो भी जगह खाली मिली बेसमेंट में कभी चले गए वहाँ जमात के साथ नमाज पढ़ा रहा हूँ अभी मैंने क्योंकि मेरे अंदर इंटरेस्ट था तो मैंने कुरान की जो तिलावत है उसको उसके कुछ रूल्स होते हैं तजवीद कहते हैं उसको और उसको अच्छे से पढ़ने किस तरीके से पढ़ना है तो वो भी मैंने सीखा था तो जिस तरीके से अजान लोगों को मेरी पसंद थी उसी तरीके से मेरी किरात भी पसंद थी लोगों को तो नमाज पढ़ाना आ, तो वो मैं वहाँ पे जमात के साथ नमाजें भी पढ़ाता था ऑफिस में तो वहाँ पे और उस टाइम पे जो ऑनलाइन फोरम्स होते थे डिस्कशन के चैट वाले फोरम या इस तरीके से जो पोस्ट होती है वहाँ पे मैं तबलीग का काम करता था दावत लोगों के साथ डिस्कशन करना डिबेट करना हिंदुओं के साथ ईसाइयों के साथ और नॉलेज कितनी थी उतनी थी जितनी जाकिर नायक ने बताई थी वहाँ बताया था और उसके वेबसाइट पे एक पीडीएफ था हिंदुओं में ये लिखा है या जुर्वेद नातस्य प्रतिमा अस्थि सब बेकार की बकवास है हमने तो वही उतना ही सीखा था श्वेता श्वेता उपनिषद गीता भगवत गीता दोज हु वर्शिप डेमी <laughs> इस तरीके से वो जितनी उतने फिर बाइबल में से माई फादर इज ग्रेटर देन आई आई ऑफ माई ओन सेल्फ कैन डू नथिंग एज हियर आई एज आई जज एंड माई जजमेंट इज बेस्ट एज आई नॉट सी माई विल बट दिल ऑफ माई फादर कुछ कुछ चीजें मैंने रट्टा मार लिया था बाइबल खोल के नहीं देखा वो पी डी एफ ही देखा है ही देखा। तो ये uh, मेरे अंदर एक्चुअली पहले से डिबेटिंग स्किल्स पहले से थी सामने लोगों को किस तरीके से ठंडा करना है तो ये चीजें लेके मैदान में उतर गए कभी हिंदू को पता हिंदू को तो वैसे भी अपनी किताबों का कोई होती भी तो अब होने लगी है ना अब तो सोशल मीडिया का जमाना है पहले कहाँ होती थी वो बेचारे ठस जाते मतलब वो ठंडे पड़ जाते थे बेचारे फिर ईसाइयों के साथ फिर इसी तरीके से वो जितना उसने रेफरेंस देके रखा था उतना सीख के मैदान में उतर के एक साइड तो ये चल रहा था दूसरे साइड जो देवबंदी है जो बरेलवी है उनके साथ भी डिस्कशन चालू है मेरा मुनाजरा चालू है एरिया में नाम मेरा फेमस हो गया किसी से बात करना है तो भाई लेके जाओ इसको हाथ में एक किताब चलो डिस्कशन करते है तो वहां भी मैं काफी एरिया में भी फेमस था कि यार ये डिस्कशन करता है तो ये चल ही रहा था लेकिन अब जब आप डिस्कशन करते हो किसी से तो साम, जब आप उसको उसकी गलतियां दिखा रहे हो और इस्लाम का फोकस क्या है जो दावत दे रहा है उसका फोकस क्या है वो आपको सिमिलैरिटीज बोल रहा है जाकिर नायक का तरीका क्या चालाक ही है सिमिलैरिटीज बोल रहा है लेकिन एट दी एंड आपको इस्लाम ही कबूल करना है सिर्फ सिमिलैरिटीज के साथ आप हिंदू नहीं रह सकते सिर्फ सिमिलैरिटीज के साथ आप क्रिश्चियन नहीं रह सकते उसने कितने सारे लेक्चर्स दिए सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइजम एंड इस्लाम सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिस्टानिटी सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड सिखिज्म जुडाइजम इस तरीके से लेकिन आप सिर्फ सिमिलरिटी मान के आप उस आपका जो रिलीजन है या आपका जो फेथ है आप उसमें नहीं रह सकते एट दी एंड इस्लाम को सुपीरियर मानना है और आपको निजात पाने के लिए मोक्ष पाने के लिए आपको इस्लामी कबूल करना है क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है इन्नत दीना इन इस्लाम यकीन अल्लाह के नजदीक जो एक्सेप्टेबल रिलीजन है दीन है वो इस्लाम है तो आ, ये चीज़ मैं करता था लेकिन जब आप अपना फेथ, अपना रिलीजन सुपीरियर बताने की कोशिश करते हो और उस आपके फेथ में अगर मैं गलतियां गिनाऊंगा तो वो भी थोड़ी ना चुप बैठेगा बिल्कुल वो भी कुछ ना कुछ तो बताएगा आपको तो ये जो जैसे मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा के साथ नौ साल की बच्ची रसुल्ला पचपन साल के बावन साल के जब थे रसुल्ला तब उन्होंने छह साल की बच्ची से शादी किया हजरत आयशा के साथ और नौ साल की थी तो मैरिज कंज्यूमेट किया हदीस में इंटर कोर्स का भी वर्ड आता है ही हैड इंटर कोर्स विद आयशा हजरत आयशा तो ये सवाल आते थे लेकिन ईमान इतना मजबूत था कि वो थोड़ा मतलब एक दो तीन घंटा थोड़ा सदमा लगता था कि ऐसा क्यों उसके, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते थे तो ऐसे कुछ सवाल आते थे तो उसको इग्नोर कर देता आदमी लेकिन जब आहिस्ते आहिस्ते मैच्योरिटी आने लगी और आप मल्टी कल्चर में हो मेरे अंदर इतनी कट्टरता थी कि ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ मेरी दाढ़ी यहाँ तक सीने तक दाढ़ी क्योंकि एल में कट नहीं कर सकते एकदम जंगली की तरह यहाँ तक बाल आ रहे हैं आप उस हाल में जा रहे हो आप क्लाइंट अकाउंट मैनेजर है क्लाइंट के साथ मीटिंग भी करने जा रहे हो तो उतनी लंबी दाढ़ी के साथ ही जा रहे हो फिर अगर जीन्स पहन रहे हो क्योंकि एल जो है उनके वहां पे ज्यादा आपको कुर्ता पैजामा नहीं मिलेगा वो पैंट शर्ट पहनेंगे टी शर्ट जीन्स पहनेंगे लेकिन टकने के ऊपर पहनेंगे अब <laughs> वो नई पैंट लेके आओ जींस उसको काटो नई पैंट सिलाओ जींस लेके आओ तो उसको काटो और वो फॉर्मल पैंट सिलाना है तो उसको टेलर को के भाई के ऊपर रहे रहे वैसा जा ऑफिस तो और दूसरा कैसा है कि कॉल सेंटर में और कॉरपोरेट में वो आपके साथ क्रिश्चियंस भी काम करते हैं हिंदूज भी काम करते हैं तो उनके जो भी फेस्टिवल्स आते हैं तो उसमें वो लोग आके वहाँ पे ऑफिस में भी सेलिब्रेट करते हैं जैसे दिवाली हो गया या होली हो गया तो कोई पूजा करके प्रसाद विसाद लेके आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि ये मेरी तरफ आ रहा है चुपचाप उठ के वहां से निकल जाओ <laughs> ताकि उसको बुरा क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी तकलीफ होती थी कि यार मैं अगर उसको मुंह पे मना करूंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा तो बेहतर यह है कि खिसक लो खिसक लो मैं खिसक जाता था लेकिन कभी काम में बिजी और वो आ गया तो लो रखो वो जाने के बाद कोई नहीं देख रहा चुपचाप डस्टबिन में डाल क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह के अलावा आपके खाने में किसी और का नाम लिया गया है तो वो खाना आपके लिए हराम है है ना तो मैं खाता नहीं था वो चीज और फिर ऑफिस में सारी चीजें मतलब लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप जो है किसी को विश नहीं कर रहे उसके फेस्टिवल में फेस्टिवल का तो छोड़ दो बर्थडे का विश नहीं कर रहे बर्थडे का रिलीजियन से तो कुछ लेना देना है नहीं बर्थडे भी विश नहीं कर रहे इतनी मेरे अंदर मतलब वो कट्टरता थी तो खास करके ये कट्टरता आपको एल में मिलेगी बाकी बरेल भी ये सब थोड़ा माइल्ड माइल्ड है आ, है मामले में तो जब मेचोरिटी आ रही थी ये सब चीजें छुप रही थी मुझे कि क्यों यार ऐसा है इतनी कट्टरता क्यों है और फिर ये जो सवाल थे वो भी फिर उठने लगे फिर उसके बाद जो माहौल चल रहा था बाहर आ, दुनिया में मुसलमान जाके कुछ ना कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है तो पहले ऐसा था कि भाई और वही सिखाया जाता है वही मौलाना भी बोलते हैं डिबेट्स में और ये सब जगह के भाई वो मुसलमान का इंडिविजुअल अमल है उसको लेके आप एक फेथ पे सवाल नहीं उठा सकते मुसलमान गलत है इस्लाम सही है ये गलत फहमी तो बहुत सारे हिंदुओं में और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में भी है जैसे मैं आपको आरएसएस वाले जो हैं ये मौलाना वहीदुद्दीन वहिदु, खान को ले गए थे हाँ। इस्लाम समझने के लिए और उसके बाद इन्होंने नतीजा ये निकाला कि इस्लाम तो अच्छा है कुछ मुसलमान बुरे हो सकते हैं अच्छा मतलब बिल्कुल और, और हम इतना समझा रहे हैं वो तो अड़े रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं इस्लाम में कैसे कोई खराबी हो सकती है सब धर्म जो है वो अपनी अपनी जगह पे सही है सर्वधर्म संभाव हम कई बार इनको समाज समझाते भाई धर्मों में संभव हो सकता है धर्म अधर्म संभव नहीं हो सकता लेकिन वो नहीं समझते खैर चलिए ये तो विषयांतर हो गया आप बता रहे थे कि फिर वो आगे आपका कैसे जर्नी आगे बढ़ी जी तो जैसे कि मैंने बताया था कि पहले मेरी ये सोच थी कि भाई मुसलमान गलती करता है और नाम इस्लाम का बदनाम होता है तो ये तो सही तरीका नहीं है वो इंडिविजुअल मुस्लिम अगर कुछ कर रहा है तो वो अपनी कैपेसिटी पे कर रहा है लेकिन जब ये बातें मेरी समझ में आने लगी और मैंने इस्लाम को जब आउटर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की क्योंकि क्या होता है अक्सर मुसलमानों का यही हाल है वो क्या करता है कि वो उस दायरे के अंदर से इस्लाम को देखता है तो जो गलत चीज़ है उसको गलत नज़र नहीं आती उसको वो पर्सपेक्टिव नहीं मिलता लेकिन जब उस दायरे से वो इस्लाम के दायरे से निकल कर बाहर से फिर इस्लाम को देखता है वो अकीदत की जो पट्टी होती है जहन में दिमाग में या आंखों में वो जब निकाल के देखता है तो उसको समझ में आने लगता है कि भाई नहीं प्रॉब्लम है तो जब मैंने इस्लाम को अकीदत की पट्टी उतार कर जांचने की कोशिश की समझने की कोशिश की तब मुझे समझ में आया कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये तो लोगों को बांध के रखा गया है एक डर और दूसरा लालच आप देखिए इस्लाम का कोई भी मसला ले लीजिए उसमें आपको यह लालच दी गई है करने पे और नहीं करने पे डर दिखाया गया है हमारे अंदर मेरे मतलब मोस्टली जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनके अंदर लालच से ज़्यादा जो चीज़ है वो डर है जहन्नम का डर कबर के आज़ाब का डर तो ये डर की वजह से वो इतना सोच नहीं पाता है तो मैंने जब बाहर से देखा तो जो चीज़ गलत है वो गलत नज़र आने लगी पूरी इनका जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का कि खुदा ने दुनिया क्यों बनाई इंसानों को क्यों बनाया हिदायत गुमराही जन्नत जहन्नम डेस्टिनी या फ्री विल ये सारी चीज़ों पे जब मैंने गौरव फिक्र करने लगा मुझे इस्लाम का हर कॉन्सेप्ट इ लॉजिकल नॉन सेंसिकल लगने लगा कि खुदा जो है वो खुद बुराई को क्रिएट कर रहा है और वो इंसान को बना रहा है चेक करने के लिए कि इनमें से बेहतर अमाल कौन करता है सुर मुल्क की आयत है अलदी वल हयात लियबलुकुम अयुम अहसन हमने मौत और जिंदगी इसलिए दी है ताकि देख सके कौन बेहतर अमल करता है टेस्ट फिर सूरे आ, सूरे जिन में या कोई एक दूसरा सूरा है उसमें अल्लाह कहता है कि हमने जिनों और इंसानों को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया या अपनी इबादत के लिए पैदा किया तो भाई ये टेस्ट लेने की जरूरत क्या है टेस्ट तो वैसे नहीं मैं कहता हूँ कि टेस्ट लेने की जरूरत क्या है क्या अल्लाह को मालूम नहीं है कि कौन पास होगा कौन नहीं पास होगा और दूसरी चीज अल्लाह का इसमें क्या मकसद है अल्लाह को क्या बेनिफिट आप देखिए आप जो भी काम करते हो देर टू बी समर्पजस और उसमें कुछ उसका एडवांटेज होना चाहिए कोई भी आप काम करते हो तो इंसानों का तो समझ में आया कि उसको अच्छा काम करना है बुरा काम करना है अल्लाह को क्या मिला ये टेस्ट लेके उसका क्या बेनिफिट होने वाला है कुछ उसकी खुदाई में कुछ और चार चांद लग जाएंगे या क्या होगा फिर अगर टेस्ट ले रहा है अल्लाह तो जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड है या स्पेशली एबल्ड जिस तरीके से भी आप कह लीजिए जेनेटिक डिसऑर्डर तो भाई वो उनकी क्या गलती वो तो टेस्ट भी नहीं दे पा रहे कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जहाँ बच्चे अपने सेंस में नहीं होते और उनकी जिंदगी ज्यादा ज़्यादा जीते भी नहीं है और उसके बाद वो ऐसी उनकी डेथ हो जाती है तो उनको बनाने का क्या मकसद फिर उसमें कहा जाता है कि ये उसके माँ बाप के लिए टेस्ट है तो माँ बाप का हाँ मौलवी से आप पूछो कि उनको क्यों बनाया वो तो कहेंगे कि माँ बाप का टेस्ट है कि वो बच्चा होने के बाद भी अल्लाह की शुकर गुजारी करता या नहीं करता और किसी किसी एक्सीडेंट में माँ बाप बच्चे सब एक साथ मर जाए तो वो तो बड़े होने के बाद मरे तो समझ में आता लेकिन बच्चे को ऐसा क्यों दिया तो कहते हैं कि ये उन माँ बाप का टेस्ट है तो मेरा सवाल है कि माँ बाप का टेस्ट लेने के लिए आपने किसी और को बकरा बना दिया बकरों का भी टेस्ट होगा ना <laughs> बकरे का टेस्ट जो है कुछ कुछ मौलवी लेते बकरियों का लेते वो टेस्ट नहीं लेते वो टेस्ट लेते <laughs> तो बकरियों में क्या फर्क है और इंसानों में क्या फर्क है मजे लेने में ये जो आपके ख्याल जब आप आने लगे तो आप फिर ओपन में कैसे आए हाँ तो आ... जब मैंने बाहर से इसको देखा और फिर एक चीज जो मुझे बहुत खटकने लगी वो ये थी कि जब भी हम दावत करते थे तो एक चीज कहते थे वक़त का लकुम फी रसूल, लकत काने फी रसूल उस्वतुन हसना। कुरान की एक आयत है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है।, है वो बेहतरीन नमूना है इंसानों के लिए और कई बार दावत देने के टाइम पे या लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाने के टाइम पे या हम कोट करते थे तो जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बेहतरीन नमूना है रोल मॉडल है तो क्या उनकी जिंदगी वाकई में ऐसी है कि उनको फॉलो किया जाए तो उसमें आ गया फिर कि एक पचपन साल का जो इंसान है वो नौ साल की बच्ची से शादी कर रहा है तो ये कैसा रोल मॉडल हम मतलब मेरे लिए रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं अच्छा ये जो बात है ये हदीस में लिखी हुई है अच्छा सारी हदीसों में सही हदीस कही जाती है और आपके बिल्कुल इसमें किसी को भी जरा सी भी ना इतफाक़ी नहीं है तो फिर अगर कोई ये कहता है तो ये मिर्ची क्यों लग जाती है उछल्ला कूदना क्यों शुरू कर देते क्योंकि सुन नहीं सकते ना और उधर एक नेगेटिव इमेज बनती है रसूलुल्लाह की एक नेगेटिव इमेज बनती है हालांकि वो हकीकत है फिर वो वहां पे ये बहाना मार देंगे कि भाई वो बात ठीक है वैसी है लेकिन आप जिस अंदाज से बोले हो वो गुस्ताखी है अच्छा समझ रहे देखिए मुसलमान क्या चीज को गुस्ताखी समझ ले आप ये तय नहीं कर सकते उसकी स्वीट विल है वो वो किसी को भी गुस्ताखी समझ सकता है अगर आप सिर्फ मोहम्मद साहब के साथ अगर आप साहब नहीं लगाते रसूलुल्लाह नहीं लगाते तो हो सकता है कि कोई मुसलमान के लिए वो भी गुस्ताखी है वो कहेगा कि सिर्फ नाम नहीं लो इज्ज़त एहतराम से लो तो कुछ भी गुस्ताखी हो सकती है हालांकि गुस्ताखी की कोई भी परिभाषा कोई डेफिनेशन ना अल्लाह ने बताई है ना रसूलुल्लाह ने बताई है तो आप किस हिसाब से कोई भी चीज़ को आप ये कहते हो कि ये गुस्ताखी है अपनी मर्जी से अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने तो बताया नहीं है और फिर उस पर गला काट दोगे आप पाकिस्तानी जो बरेलवी मौलवी है उन्होंने इस चीज़ को बहुत उभारा मन सब नबीन फकलू जिसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की उसको कतल कर दो या उसकी गर्दन उड़ा दो और ये तो हाँ, ये आपके ये ख्याल से ये चीजें नहीं है हाँ लेकिन सियासित्ता में ये की है, है।, है। सियासित्ता में ये आपको मिलेगा कि जो इस्लाम छोड़ दे उनको कत्ल कर दो और बाकायदा हजरत अली ने जिंदी या एथियस या मर्त जिन्होंने इस्लाम छोड़ा उनको जिंदा जलाया तो इब्ने अब्बास गालिबन वो कहते हैं कि अगर मैं इनकी जगह पे होता तो मैं जलाता नहीं बल्कि उनका कत्ल कर देता क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जिन्होंने अपना दीन बदल दिया इस्लाम छोड़ दिया उसको कत्ल कर दो तो इस्लाम छोड़ने पर कतल है तो गुस्ताखी पे क्या होगा तो ये सारी चीज़ें जो है और दूसरा देखिए और एक चीज़ मैं बताने वाला था आपको अल्लाह से रिलेटेड थी वो चीज़ खैर उसको छोड़ दे तो ये मेजर जो चीज़ थी कि रसूलुल्लाह का कैरेक्टर एक जो समाज सुधारक है रसूल है वो चाइल्ड मैरिज खत्म करने के लिए आएगा या खुद चाइल्ड मैरिज करेगा चाइल्ड मैरिज को कौन अच्छा कहता है पहले अगर होती भी थी तो एक तो इसमें बुनियादी फर्क यह है कि चाइल्ड मैरिज जहाँ पे होती थी वो दो बच्चों में होती थी है ना वो एज डिफरेंस इतना नहीं होता था लेकिन उसको भी हम आज गलत मान रहे हैं सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ रही है चेंजेस आते हैं उसके अंदर एक इसमें डिफेंस ये दी जाती है कि भई ये आप जो हैं इस चीज़ को आज की मोरालिटी से देखने का प्रयास कर रहे हैं ये उस समय की मोरालिटी थी उस समय ये एक्सेप्टेबल था देखिए इसमें मोरालिटी तो है साथ में आप ये भी देखेंगे कि साइंटिफिकली ये सही है या नहीं है एक नौ साल की बच्ची जो है वो ना फिज़िकली एबल हुई है ना मेंटली एबल हुई है कि वो शादी कर सके या सेक्स कर सके या सेक्स के बाद सेफ प्रेगनेंसी और उसके बाद सेफ डिलीवरी वो तो अभी बच्ची है उसके पार्ट्स अभी अंदर डेवलप भी नहीं हुए ठीक है नौ साल तो बहुत कम होता है तो इस लिहाज से भी गलत है और इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि ये उस पर फिट होगा जो उस वक्त तक के लिए रहे जैसे चाइल्ड मैरिज चाइल्ड मैरिज लोग कर रहे थे तो वो कोई नबी नहीं थे वो रसूल नहीं थे लेकिन रसूलुल्लाह जो है वो कयामत तक के लिए एग्जाम्पल है ना तो उनको तो हर वो काम करना चाहिए जो कयामत तक के लिए कोई सवाल ना उठा सके तो ये बिल्कुल इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि उस जमाने की मोरालिटी रसूलुल्लाह की तो कयामत तक के लिए मोरालिटी है और वो अल्लाह दे रहा है ना मोरालिटी तो अल्लाह की मोरालिटी तो सेम होनी चाहिए सारे जमानों में तो ये आंसर जो ये आर्ग्यूमेंट इधर फिट नहीं बैठता और क्या आज कोई बच्ची से शादी नहीं कर सकता एक बूढ़ा इंसान इस्लाम की रूह से कोई बच्ची से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता कर सकता कर सकता है। ये ये बात ऐसे क्या है कि इस तरह के जो है दूसरे धर्मों में भी इस तरह के उदाहरण या इस तरह की चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी लेकिन उसमें खास बात यह है कि उसको कोई अमल करने की बाध्यता नहीं है और रिफॉर्मेशन भी तो आए ना कई सारे रिफॉर्मेशन आए दूसरे को बाध्यता नहीं है यहाँ तो सुन्नत है तो ये तो अलग ही लेवल पे चली जाती है बिल्कुल और देखो एज अ सोसाइटी अगर आप दूसरे रिलीजन या फेथ या आइडियोलॉजी की बात करते हो तो वो एज अ सोसाइटी उस चीज से बाहर निकले ऊपर आए उससे यहाँ पे ऐसा नहीं है ना ये तो क्यामत तक के लिए अलाउड है और रसूलुल्लाह की बात या अल्लाह की बात को कोई मौलवी कोई मुल्ला जो है वो ओवर नहीं कर सकता कोई ये नहीं कह सकता कि आज की तारीख में आप नहीं कर सकते उसको ये हक हाँ है ही नहीं तो ये आपका इनक्यूबेशन जो है ये जो आपकी ये जो डाउट्स आना शुरू हुए और डाउट्स आने के बाद फिर आपने उसमें अपनी तर्कशीलता रैशनैलिटी लगा के उसका विश्लेषण करना शुरू किया उसके बाद से और चैनल आरंभ करने तक कितना समय लगा एक साल तकरीबन तकरीबन एक साल जब मैंने मतलब घर पे मैं आहिस्ते आहिस्ते बताना शुरू किया कि ऐसा ऐसा मसला मुझे लगता है उसके बाद मैंने छोड़ दिया तो बहुत इशू है घर पे मौलाना को भी लाया गया मुफ्ती को जो ये सब चीज़ों में एक्सपर्ट है एथियज़म पे बात करने के लिए उनसे बात किया उनके पास भी कोई ऐसा मुदल जवाब नहीं था या सेटिस कोई आर्ग्यूमेंट्स उनके नहीं थे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे तो मैंने छोड़ दिया लेकिन फिर घर पे बहुत इशू हो रहा था तो फिर घर वाले ने बोला कि ठीक है आपको नहीं मानना है मत मानो लेकिन ये बात अपने तक रखो क्योंकि हर किसी को पता होता है कि अगर सोसाइटी में मोहल्ले में पता चलेगा तो लाइफ का खतरा भी हो सकता है तो एक साल तो ऐसे ही गुजरा घर में इशू चलते रहे चलते रहे चलते रहे और कहीं ना कहीं वो जो मेरे रिलेटिव्स यानी घर जिनके वहाँ पे मैं पला बढ़ा हूँ वो इस वजह से मेरे साथ जो ताल्लुक थे रवैया था वो चेंज हो गया तो इस एक साल में आपने कोई आउटवर्ड कोई तब्दीली की आपने दाढ़ी वाड़ी काट दी अपने आदेश वाली दाढ़ी तो मैं असल में क्या होता है ना कि जो मुसलमान का जो ईमान है वो बढ़ता और घटता रहता है तो जब मुसलमान था कभी कभी मैं जब ईमान घटता था तो दाढ़ी जो आहिस्ते आहिस्ते शॉर्ट होने लगती अब आप वन गो में शॉर्ट नहीं कर सकते हो <laughs> अभी इतनी बड़ी दाढ़ी है वन शॉट में मैं अगर निकाल दूंगा तो जितने लोग देखे फिर वो अरे क्या हो गया शैतान आ गया ईमान कमजोर हो गया तो उसमें क्या करता है आदमी एक एक इंच कम करते जाता है तो वो तो तभी भी चल रहा था लेकिन इस्लाम छोड़ने के अच्छा वो जब चल रहा था तो गिल्टी के साथ चल रहा था ये बात आप गौर करना जब आदमी जब उसके अंदर की ख्वाहिश जो है वो हावी हो जाती है तो करता भी है तो गिल्टी के साथ करता है कि अल्लाह मेरे से इस मामले में नाराज होगा नाराज है या मैं गलत कर रहा हूं ठीक है इन इस्लाम छोड़ने के बाद वो गिल्टी वो डर वो खौफ वो इलॉजिकल जो डर है वो चला गया अब खुल के जी रहा हूं लेकिन खुल के इन सेंस के खुल के तो नहीं जी सकते <laughs> <laughs> आपको क्यों लगाना पड़ रहा है मास्क और टोपी ये हर किसी को पता है <laughs> ये मुसलमानों को भी पता है मुसलमानों को भी पता। आप देखिए कि एक मुसलमान जब मुसलमान मन के आता है लाइव स्ट्रीम में भी टीवी चैनल पे भी तो वो एकदम उसके अंदर डर नहीं रहता बिंदास बोलता है लेकिन जब वो इस्लाम छोड़ देता है फिर वो अपना चेहरा नहीं दिखाता है क्योंकि उसको मालूम है कि जब तक मुसलमान हूं तब तक सेफ हूं इस्लाम छोड़ा उसके बारे में बोला तो मेरे मुसलमान भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे तो मेरी आइडेंटिटी लीक की गई थी तो तभी चेहरा आ गया था सामने उसके बाद फिर वो टी वी चैनल्स पर गया लेकिन डर खतरा तो बना ही है और मैंने तो मैंने सोचा कि यार ये मेरे लिए ख़तरा ही है तो क्यों ना अपना लुक अपियरेंस चेंज चेंज करे और फिर वो चेहरा नहीं दिखाए जो नया चेहरा है तो इस वजह से फिर से मैंने कैमरे पे आना बंद कर दिया एक बात बताएं कि बहुत सारे करंट इश्यूज होते हैं तो उसके ऊपर जो ये हमारे ख़ास तौर से मुल्ला मौलाना और जो ये अशराफ वर्ग है जो इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो तो उनको जो है वो मुस्लिम समाज में कैसे देखा जाता है जैसे आ, राम मंदिर का इशू है या फिर आ, आर्टिकल 370 का इशू है या ट्रिपल तलाक़ का जो इशू था जैसे ये है तो इस पर जब हम आवाज़ सुनते हैं तो आवाज़ हमें जो है ये चैनल्स पे सिर्फ मुल्ला मौलानाओं की ही सुनाई पड़ती है जैसे कि हमारी चैनल्स भी ये मानती हैं कि साहब के मुसलमानों को रिप्रेजेंट केवल ये मुल्ला मौलाना ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता तो ये जो यहाँ पर जो चिल्ला चिल्ली करते हैं तो उसका ये जनरल मुस्लिम कम्युनिटी में क्या असर दिखता है आपको देखिए सबसे पहली बात तो एक हकीकत मैं बताना चाहूँगा पाकिस्तान का इस्लाम अलग है हिंदुस्तान का इस्लाम अलग है पाकिस्तान में मदनी इस्लाम है हिंदुस्तान में मक्की इस्लाम है पाकिस्तान का जो आलिम है मौलाना है वो डंके की चोट पे बोलेगा कि गुस्ताखी की एक ही सजा तन से जुदा और हमको पूरी दुनिया को इस्लाम उस पर इस्लाम का ये होना चाहिए गलबा होना चाहिए और इसके लिए हम करेंगे मेहनत वो खुल के बोलेगा लेकिन जो इंडियन टीवी चैनल पे या नेशनल न्यूज़ पे जो मौलाना आते हैं वो धोखेबाजी करते हैं वो आपको सॉफ्ट इस्लाम बताएंगे वो आपके साथ इस तरीके से चलेंगे कि भाई इस्लाम बहुत अच्छा है लेकिन जो जनरल आवाम है या दूसरे मौलाना जो टी वी नहीं आते वो कोई भी इनको नहीं मानता इनकी औकात जैसा वो टीवी वाला मौलाना आ, हाफिज गुलाम सरवर साहब ने एक मेरी जो टीवी डिबेट में कहा था कि मैं टीवी वाला मौलाना हूँ <laughs> तो मैं मौलाना मैं मौलाना हूँ ही नहीं मैं टीवी वाला मौलाना हूँ <laughs> <laughs> तो, <laughs> तो, तो मुसल जो आम मुसलमान है उनके नजदीक इन टीवी पे आने वाले मौलाना की रत्ती बराबर भी इज्जत नहीं है वो इनको मानते नहीं है वो कहते कि ये ये पैसे वाले मौलाना है इनको पैसा दिया जाता है इस वजह से आते हैं ये रिप्रेजेंट नहीं करते और यही मौलाना जब अपनी आवाम में होगा तो ये दूसरा बोलेगा अभी आपको क्या लगता है अरशद मदनी साहब ने जो वहाँ पे ये कहा कि ओम ही अल्लाह है और आदम ही मनु है आपको क्या लगता है अपने मदरसे में ये तालीमत देते रहेंगे मदरसे में तो हृदय पढ़ाते हैं तो वहां पर ये नहीं होता ये सिर्फ एक दिखावा रहता है मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूँ जो टी वी पे आते हैं मोस्टली आवाम इन को अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझती है हम भी जब मुसलमान थे तो इनको गालियां देते थे या बुरा भला कहते थे या कैसे लोगों को बुला के इस्लाम की बेइजती कर रहे हैं तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो भी मौलाना आते हैं इक्का दुक्का छोड़ के जो डंके की चोट पे बोलते हैं कि ये गलत है ये सही है बाकी ये जितने भी आते हैं सारे के सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं इनकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता और जो आपके जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे मैंने कॉन्टेक्ट लिया था आर्टिकल 370 का और आ, आ, राम मंदिर का तो ये जैसे आपका ओ है वो आके चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हम वहाँ दोबारा मस्जिद बनाएंगे, या आपका जो है बोलता है कि साहब कि हम आर्टिकल 370 जब हमारा राज आएगा तो हम वापस लगाएंगे इस तरह की बातों का आवाम पे कोई असर पड़ता है या कि वो प्रैक्टिकल रहता हाँ कि ऐसे लोगों को असल में देखिए पॉलिटिकल जो चीज़ है उसमें मैं इतना मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है लेकिन मुझे इतना तो पता है कि जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसको आवाम चाहिए उसको वोट चाहिए तो उनको ऐसी बात करना है जिससे लोग खुश हो तो जाहिर सी बात है कि एक इंसान डंके की चोट पे आपको बोल रहा है कि भाई मैं यहाँ पे फिर से अगर उन्होंने बोला है बाबरी मस्जिद बनाएंगे जो भी है अगर उन्होंने कहा है और थ्री सेवेंटी के बारे में कहा है तो जो आवाम है उनको तो चाहिए कि कोई ऐसा शेर आए सद्दाम हुसैन कोई आए ऐसा है ना तो आए जो हमारी वकालत करे और जो कह रहा है वो करके दिखाए तो आवाम तो ऐसे लोगों से तो आवाम खुशी होगी ना अच्छा ट्रिपल तलाक जो ये खत्म किया कई सारे मुसलमान ग्राउंड रियलिटी की मैं बात बता रहा हूं कि इसमें भी कई सारे जो मुसलमान हैं वो ऐसे नेताओं को समझती है कि ये बीजेपी के ही एजेंट है एजेंट है प्लान बी है बीजेपी का ये क्योंकि ये वोट काटने में काम आते हैं कांग्रेस का समझ रहे तो मैं आवाम की बात बता रहा हूं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड लेकिन आवाम में ये सारी चीजें चलती है क्योंकि हम मुसलमानों का ही हिस्सा रहे हैं वहां पे क्या बातें होती है हमको पता है मोदी साहब को लेके क्या बात हजरत मोदी जी को लेके क्या बात होती है <laughs> <laughs> उनको लग रहा है कि वो पसमानदा को राजी कर लेंगे <laughs> मुझे इसका आइडिया नहीं है लेकिन हमको पता है कि अवाम में क्या डाला जाता है अच्छा ये ट्रिपल तलाक के बारे में बताए ट्रिपल तलाक का जब लॉ आया तो कम्युनिटी में ओवरऑल क्या रिएक्शन आपने देखा इसमें जो गैर मुकल हजरा एलेजिस उनके नज़दीक एक सिटिंग में आप तीन नहीं आप तीन सौ तलाक दे दो वो एक ही कंसीडर होती है तो तलाक होता ही नहीं है तो वो तो अंदर ही अंदर खुश हुए होंगे कि अच्छा है भाई ये कानून आ गया लेकिन ऊपर से बोल नहीं सकते खुल के बोल नहीं सकते फिर ये हो जाएगा कि भाई मतलब एज अ उम्मा आपने सपोर्ट नहीं किया लेकिन जो बरेलवी हजरा अपना मुखलिस हजरात है जिनके नज़दीक एक सीटिंग की तीन तलाक तलाक हो जाती है यानी परमानेंट आपका रिश्ता ख़त्म फिर उसके बाद फिर ये हलाला जैसी फिर प्रैक्टिस करते हैं हालांकि बहुत सारे मौलवी जो है वो इसको हराम कहते हैं कि भाई ऐसा फिक्स करके आप शादी नहीं कर सकते आपने दूसरे से शादी की और उसका तलाक हो जाए तो आप दूसरे के पास जा सकते हो अलग मेरा आर्ग्यूमेंट यह है कि भाई वो दूसरे के पास जाने की कंडीशन भी क्यों अगर वो तलाक दे दिए बाद में उनको समझ में आ रहा है कि नहीं हमें साथ में रहना है तो भाई वो दो इंडिविजुअल का मामला है तुम लोग इतने अंदर क्यों घुस जाते हो किसी की जिंदगी तो में, में है ना हाँ हा, तो वो ये क्या कहते हैं कि भाई इसमें आप सेटअप करके नहीं कर सकते ये डिफरेंस बताते हैं लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी को अगर तीसरे दिन बीवी रिटर्न चाहिए या वापिस चाहिए तो उसको तो यही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अरे बड़ा एक आज किस्सा आया बताया कि साहब किसी ने अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक दे दिया और फिर उसने सोचा कि भाई सबसे सेफ तरीका क्या है हलाला का तो अपने दादा से उसकी शादी करवा दी और दादा जो है उसने इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा आ आ, और वो जो बीवी थी वो भी दादा के पास खुश <laughs> पोता जो है वो बेचारा साइड में बैठ के रो रहा होगा सर पड़क के <laughs> तो खैर इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि जो है उनके नजदीक तो तलाक हो जाती है लेकिन आपने कानून लेके आ गए तो आपको क्या लगता है कि कानून लाने की वजह से ट्रिपल तलाक नहीं होंगे और आ, क्या जो मुसलमान हैं जो इस चीज को मानते हैं क्या वो जाके केस करेंगे इक्का दुक्का को छोड़ के जो जिस फीमेल को तलाक दी गई है वो भी तो उसी मजहब की मानने वाली है वो भी मुकलिद है उसके नजदीक तो ये रसूल का तरीका है तो क्या वो उसके अगेंस्ट पे जाके पुलिस चौकी में केस करेगी एजुकेटेड जो है वो तो कर रही है इक्का दुक्का सार कोई नहीं करता क्योंकि वो मानती है ना उस चीज को उसके लिए तो मैंडेटरी है कि उसका जो मसलक कहता है कि तीन तलाक में आपकी तलाक हो जाती है वो उसको मानना है नहीं तो वो मसलक से बाहर निकल गई हो तो ये जो यूसीसी का जो अभी मसला चल रहा है उस पे आप क्या सोचते हैं होना चाहिए नहीं होना चाहिए और अगर करना भी है तो इफेक्टिव कैसे करना चाहिए उसको बिल्कुल होना चाहिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड और लेकिन अब मसला यही है कि हमारे मौमीन हजरत जो है तो वो जिस तरीके से सीए और एनआरसी uh, में जो पूरा बवाल मचा था मुझे नहीं लगता इतने आसानी से यूसीसी भी जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा या कानून बन पाएगा लेकिन मेरे हिसाब से एक ही लॉ होना चाहिए हर किसी के लिए अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आपको एक लॉ मानना चाहिए लेकिन होने होने देते हैं क्या वो देखते हैं अभी वक्त के साथ ये पता चलेगा अलग अलग लॉज क्यों हों बात आपकी सही है हालांकि अब तो इलेक्शन आ रहे हैं मोमिन हजरात अगर शाहीनबाग करेंगे और, और उनके ऊपर डंडे पड़ेंगे तो तो मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ेगी <laughs> <laughs> ये तो अभी वक्त के साथ पता चलेगा कि कितना सक्सेसफुल ये हो पाएगा अब आप अंत में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है इसका भविष्य आप कैसा देखते हैं अच्छा उससे पहले ये यूसी की चुके बात चल रही थी तो मैं एक मौलवी का उसके ऊपर ये वीडियो देख रहा था अच्छा इतना चालाकी करते हैं मोमिन नजरात। वहां पे उसको सेक्युलरिज्म याद आया देखिए हमारे देश की आ, क्या वो अच्छी बात डाइवर्सिटी दाइवर्स, है <laughs> यहाँ पे हिंदू भी है यहाँ पे मुसलमान भी है यहाँ पे सिख भी है यहाँ पे ईसाई भी है डायवर्सिटी देखिए तो इनकी अगर अपने अलग अलग कानून हैं, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सबको अपना अपने तरीके पे चलने देना चाहिए डेमोक्रेसी <laughs> है यही हमारे देश की शान है आन है बान है मैं सोचा या मेरा सवाल ये था हजरत से कि जहाँ पे शरिया है वहाँ पे जो दूसरी कम्युनिटी है वो आपसे कहे कि हमको हमारे कानून के हिसाब से चलने दो हमारे लॉस को आप चलने दो तभी आप मानेंगे <laughs> तभी तो आप ये कहेंगे टू 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 फोर, हमको पता है टू 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 फोर, तो जो टू प्लस टू इक्वल टू फाइव कहे हम उसकी क्यों चलने दे वहां पे टू प्लस टू इक्वल टू फाइव टू आपका इस्लाम टू प्लस टू इक्वल टू फोर है और बाकी जितनी आइडियोलॉजीज है वो सब टू प्लस टू इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन बता रहे इस वजह से जाकिर नालायक साहब से ये सवाल किया गया अब देखिए ये जहां जाएंगे इनको अपना दीन पे अमल भी करने देना है और प्रोपागेट भी करने का हक चाहिए इनको जहां भी जाएंगे यूएस पकड़ लो इंडिया पकड़ लो ये जो इस्लामिक शरिया जिधर है क्या जो दूसरी आइडियोलॉजी है वो अपना धर्म प्रोपोगेट कर सकती है अपनी आइडियोलॉजी प्रोपोगेट कर सकती है तो इसपे जवाब जाकिर नालायक साहब का यह था कि भाई हमको पता है टू प्लस टू इक्वल टू फोर होता है तो जो टू प्लस टूल टू, टू फाइव बोलेगा टू 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 तबलीग नहीं कर सकते तो ये यहां पे इसको सेक्युलरिज्म याद आ रहा है और अच्छा होना याद आ रहा है लेकिन तुम क्या इस्लामिक शरीयत में किसी दूसरी आइडियोलॉजी को ये हक दोगे कि आप अपने रिलीजन के हिसाब से अपने पर्सनल लॉज रख सको देखोगे आप ये इस तरीके की चालाकी ये लोग करते हैं लोगों को बहकाने के लिए इस्लाम नहीं बताते कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता एक बात आपको बताता हूँ शायद आपको पता नहीं होगी कि भारत में शरीयत जो है पर्सनल लॉ में केवल 1937 में आई है उसके पहले सारे के सारे जितने भी थे दो चार परसेंट छोड़ दो आप वो सब हिंदू लॉ मानते थे हाँ इतना कि वो जो उन्नीस सौ एक्ट है ना जिसको जिसकी दुहाई दे रहे हैं और हमारे हजरत वैसी भी उसकी दुहाई दे रहे हैं मदनी भी दुहाई दे रहे हैं वो सब कि हमारा शरीयत एक्ट है हमारा शरीयत एक्ट है आपको एक जानकारी दे दूँ उसमें से एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो अलग है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लागू नहीं है वो और जो प्रॉपर्टी है उसमें 90 परसेंट लोगों की एग्रीकल्चरल लैंड ही है ठीक है उसमें से अडॉप्शन बाहर है यानी अडॉप्शन कर सकते हैं अच्छा विल वसीयत उसमें से बाहर है कर सकते यानी वसीयत कर सकते हैं जबकि वसीयत भी आराम है हाँ। और अडॉप्शन भी आराम है वसीयत का इसमें यह है कि एक सर्टन परसेंटेज जो है आप चैरिटी में या इसमें दे सकते हैं वरना जो सिस्टम पूरा बताया गया है वो तो शरीयत का सिस्टम तो अलग ही है आ, ना वो वो उसके हिसाब से होगा तो ये चित भी मेरी पट्ट भी पट मेरी अंटा मेरे बाप का ये है अब चूंकि डिस्कशन शुरू हुआ है तो ये सारी बातें खुल के सामने आ रही सामने पूरा का पूरा वो जो पर्सनल लॉ है सिर्फ महिलाओं को सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सिटीजन बनाने का उपाय है और तो अंत में वही मैं आपसे पूछ रहा था कि इसका आप जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है इसका भविष्य क्या देखते हैं अब मैं समझता हूँ कि कई सारे लोग इस्लाम छोड़ेंगे और कई सारे लोगों ने ऑलरेडी छोड़ा हुआ है अपोस्टेसी रेट आप चेक कर लीजिए 2017 की अपोस्टेसी रेट जो है अमेरिका में 24% है तभी सोशल मीडिया का इतना वो नहीं था असर जितना आज है और फिर इनके मुल्ला मॉल भी रोते बैठे हैं पाकिस्तान जैसी जगह पे फिर ईरान देख लीजिए 75,000 में से या 77,000 में से 55,000 मस्जिदें बंद हो गई है क्योंकि नमाज पढ़ने वाला ही कोई नहीं उधर फिर जिस तरीके से उधर एक जो डेथ हुई थी आ, क्या नाम था उनका मासी मासी अमीनी क्या नाम था उसका? हाँ। तो वो उसके बाद क्या हाल हुआ उधर तो लोग इस्लाम धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। रहेमबीएस का एग्जाम्पल आप ले लीजिए जितना कट्टरता सऊदी में थी, एक-एक करके वो सारी की सारी चीजें वो खत्म करते जा रहे हैं वो खुल के तो बोल नहीं सकते मैं एक्स मुस्लिम हूं लेकिन अपना काम कर रहे हैं एमबीएसलिम है मुझे तो है नाइन पॉइंट नाइन परसेंट लगता है या एटलीस्ट अगर एक्स मुस्लिम नहीं भी है तो उनको इतना अच्छे से समझ में आ गया है कि इस्लाम एक आउटडेटेड रिलीजन है या इसके जो कवानीन है या आउटडेटेड है इसको अब इम्प्लीमेंट करके हम आगे नहीं बढ़ सकते उनको इसी वजह से देखिए टूरिज्म के लिए वो कितना कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल वेट्रोल का भरोसा नहीं है कब तक है कब तक नहीं है कब इलेक्ट्रिक में सारे लोग मुंह हो जाए तो पूरी कोशिश कर रहे हैं टूरिज्म को आगे बढ़ाने की अब टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए अगर इतने स्ट्रिक्ट रूल आप रखोगे तो जाहिर सी बात है कोई आएगा नहीं आपके पास तो आते आएस्ट आहिस्ते वो वहाँ पे चेंजेस छूट लाते जा रहे हैं इसी तरीके से बाकी भी जो अरब कंट्रीज़ है जो अरबी होते हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है समझना कि इसकी कितनी हकीकत है इसके लिए आप देखिए कि वो अरबी लोग इतना फॉलो नहीं करते वो जो मस्ती कर रहे हैं नकली अरब है हमारे भारत वाले जैसे सस्ते अरब जो है वो ज्यादा उछलते हैं तो तो वो सस्ते अरब हमारे जो है वो उनके भी समझ में आ जाए थोड़ा दिमाग लगा दे जहन थोड़ा चलाना शुरू कर दे तो आई एम श्योर कि इनके लिए भी आसानी हो जाएगी तो हिंदुस्तान में भी कई लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है लेकिन मसला ये है प्रॉब्लम ये है कि वो खुल के सामने नहीं आ सकते क्योंकि उनको पता है कि सोशल बॉयकॉट होगा फैमिली डिसऑन कर देगी और फिर उससे ऊपर की है कि लाइफ थ्रेड भी हो सकता है तो इस वजह से वो सामने नहीं आता है अभी जब हम चैनल ओपन किए थे हर स्ट्रीम में लगभग मेरे गाल से जितनी भी अभी स्ट्रीम स्ट्रीम हो रही है हर में दो तीन नए एक्स आते हैं हैं वो कहते कि भाई हमने छोड़ दिया इस्लाम पहले आपको देखते थे गाली निकलती थी फिर कंटिन्यू किया सुनना फिर वो दिमाग में जो अपंगता थी वो तो दिमागी अपंग हो जाता आदमी दीन के वजह से तो दिमागी अपंगता आहिस्ते आहिस्ते सही होने लगी और फाइनली हमने इस्लाम छोड़ दिया अब अच्छा लग रहा है तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम जो है वो बहुत जल्दी ना के बराबर हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ नाम के लिए रह जाएगा लोग रहेंगे मुसलमान लेकिन कोई फॉलो नहीं करेगा उसको बशर्ते कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा हम जैसे लोगों को प्रोटेक्शन सिक्योरिटी और कुछ स्पेशल लॉज बने क्योंकि ये उभर रही है अभी कम्युनिटी एक्स मुस्लिम्स की तो कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस गवर्नमेंट को लानी चाहिए ताकि और लोग भी सामने आए क्योंकि हमारा भी हक है ना क्या हमको खुले में जीने की आजादी नहीं है हम भी चाहते हैं भाई खुल के जीना हमको भी राइट है हमारे मुल्ला मलाना कहते हैं कि आप अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं जाहिर सी बात है पहले मुसलमान थे आप अपने आप को कुछ भी और कह सकते हैं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ एग्नोस्टिक कह है सकते हैं मैं एग्नोस्टिक भी नहीं हूँ देखिए एथिस्ट वो होता है जो गॉड का इनकार करता है खुदा का इनकार करता है एग्नोस्टिक ये होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता मेरा हिसाब ये है मैं कहता हूं मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है है क्या नहीं है तो मेरा समझ ये कि एक अलग <laughs> अलग हिसाब है तो चूंकि मैं जुड़ा हुआ था अब नहीं हूं उस चीज में और आपको इतनी चिड़ क्यों मची है घबराहट क्यों हो रही है पोल खुल जाएगी कि लोग इस्लाम देखो क्या होता था संजय जी के आपने कभी देखा एक तीन चार साल पहले कोई भी मौलवी को एक्स मुस्लिम पे बात करने, बात करने करते हुए या बयान में कभी एक्स मुस्लिम कभी सुना था मतदत करके कभी किसी भी बयान में पहले के ये तीन चार साल पहले के कभी भी सुना आपने क्यों नहीं सुना क्योंकि मुसलमानों का ये बिलीफ है या ये थिंकिंग uh, है कि एक मुसलमान कभी इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता लेकिन आज इनको अपने जुमा के खुतबे में बताना पड़ रहा है ये अपने बच्चों को एक्स मुस्लिम चैनल से बचाएं मोबाइल ना दे मुमरा की मस्जिद के बाहर जुमा को बाकायदा वो पोस्टर लेके बांटा गया और बताया गया अपने बच्चों को बचाएं मोबाइल देने से बचाएं इनके ईमान खत्म हो रहे हैं <laughs> बात सेमिनार करना पड़ रहा है एक्स मुस्लिम से बचो अपने बच्चों को बचाओ वरना ये मोर्त हो जाएंगे क्यों आज करना पड़ रहा है क्योंकि पोल खुल रही है इस वजह से इनको चिड़ है कि कुछ भी नाम रख लो एथियस रख लो हिंदू बन जाओ एक्स मुस्लिम मत रखना क्योंकि पोल खुल जाएगी लोगों को पता चलेगा कि भाई ये पहले मुसलमान था और छोड़ा मतलब छोड़ने वाले लोग भी है मतलब अगर कोई छोड़ना चाहता है तो वो ये नहीं समझे कि मैं अकेला हूं मेरे जैसे और भी लोग हैं तो इस बात की इनको सबसे ज्यादा चिड़ और डर है कि हमारी आवाम को ये चीज पता नहीं चले कि कोई एक्स मुस्लिम भी होता है वरना सोचिए ना क्या प्रॉब्लम है इनको करेक्ट तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया साहिल जी बहुत अच्छी चर्चा रही और बहुत सारे जो इश्यूज थे जो मुद्दे थे जो विषय थे उनको आपने स्पष्ट किया इसलिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपके चैनल के माध्यम से आ, सारे लोगों को कहना चाहूँगा ख़ास करके जो मोमिन हजरात है चाहे वो आलिम लेवल पे हो मुफ्ती हो मौलाना हो अल्लामा हो हाफिज़ हो मुहदस हो मुजद हो कोई भी लेवल का हो अगर उसको लगता है कि इस्लाम हक़ है इस्लाम ही सही रिलीजन है सही दीन है तो मैं उनको अपने चैनल पे दावत देना चाहूँगा जो भी लाइव स्ट्रीम है आप कोई भी लाइव स्ट्रीम में आप आके इस्लाम को अपने साबित कर सकते हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्लेटफॉर्म है हमारे पास लाखों लोग देखते हैं आपको असल में सोचिए कि आपके जरिए से जो जिनका ईमान छीन छीना जा रहा है अगर बचा लेते हो तो आपको तो एक्सपोनेंशियल अल्लाह जो जन्नत या उससे ऊपर वाली सबसे बड़ी कौन सी होती है साहब जन्नत जन्नत तो ही होती है ही होती है तो जन्नत मिलेगी जा? और जन्नत में भी आला मकाम। आला मकाम बिल्कुल अल्लाह जो है अपने हाथों से आपको शराबन पिलाएगा। <laughs> अरे मैं नहीं कह रहा कि <laughs> आप हस <laughs> जो सारी चीजें यहाँ आराम है वहां ऊपर जाके हलाल तो कैसे हो जाती है आपने पूरी बात नहीं सुनी <laughs> शराबन तहूरा पाक साफ ड्रिंक तो उसमें शराब सुन के ये मत समझना कि वहां मजे है उसमें नशा नहीं होएगा उसी तरह से ऐसा कि जो हूर है उसमें कुछ होगा नहीं तो हूर में क्या मजा आएगा आपको उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते सिर्फ देख सकते नहीं नहीं हाँ उसमें देखिए अभी क्या बोले थोड़ा गंदी हो जाएगी 135 फीट की हूर <laughs> पहाड़ के साथ किसको क्या करना है <laughs> हमको अपने जैसी चाहिए भाई लेकिन मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि वो आपको भी 135 फीट का कर दिया जाएगा हाँ तो दो पहाड़ बन के हमको नहीं करना है ना <laughs> 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 सिमेट्री जो है वो सोच के बड़ा अजीब लगता है <laughs> <laughs> तो <laughs> ऐसी रखता अल्लाह में यही साइज का और जो जैसा एक इंसान की ऑपोजिट जो जेंडर होता है उसके साथ जो ये होता है अट्रैक्शन होता है या उसकी जो त, ये होती है रिक्वायरमेंट या फीलिंग होती है वैसी ही रखता तो थोड़ा समझ में आता इधर का मामला जो है बड़ा अजीब अजीब अब अब मैं इसको एक्चुअली एटीन प्लस नहीं चाह रहा कि हो जाए लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा इस पर भी जिक्र कर दूं <laughs> संजय जी भी परेशान हो गए कि हाँ बोलूँ या ना? <laughs> <laughs> इसके लिए एक अलग से सेशन कर लेंगे <laughs> <laughs> फिलहाल इसको यहीं पर समाप्त करते हैं बहुत शुक्रिया आपका आप। बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम जय हिंद वंदे मातरम दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय सन ऑफ भारत माता एंड को स्पॉन्सर्ड बाय सोभ कौशिक